So what all I have said so far, you please continue writing. So capital gain, we are starting section 45 to 55A in the series. Capital gain is the chapter of exception hum yahan pe likhenge. Chapter of exceptions. Okay. चैप्टर ऑफ एक्सेप्शन और मैंने बताया आपको ये लिखने के लिए प्लीज राइट इट डाउन. सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 चार्जिंग सेक्शन है जो हमें कंडीशन देता है. कौन सी कंडीशन देता है सर? कंडीशन देता है कि आप को कब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. एकदम सिंपल सा कंडीशन है, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर. तो सबसे बड़ा पहला वर्ड जो हमें यहाँ पे लर्न करना है दैट इज ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट shall be chargeable under the head capital gain in the previous year in which transfer took place. So, ye previous year ki baat hum baad mein karenge. Right now, we are supposed to focus only on two things and those two things are transfer and capital asset. So, ye likh lijiye please. Itna likhne ke baad mujhe bata dijiye, done kar dijiye. So, I'll go ahead. Transfer of capital asset. Done. Now, why do we call it as a chapter of exception? Please understand that we have learned source and income ka relationship, and there we have said if land is a source, then crops is the income. Theek hai na? If a tree is a source, then fruit is the income. Okay. Similarly, if house property is the source, then rent is the income. If a business is the source, then profit is the income. If debenture is the source, then interest is the income. If equity share is the source, then dividend is the income. तो हमने क्या करके रखा है अब तक? We have established this particular relationship कि कोई अगर income कमाना है तो आपके पास किसी ना किसी चीज का सोर्स होना जरूरी है. इसलिए हमारे इनकम टैक्स का नाम ही क्या है? इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है ना? द नेम ऑफ द चैप्टर और नेम ऑफ द एक्ट इज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स जब आप बोलते हो तो इनकम रेवेन्यू रिसिट होता है कि कैपिटल रिसिट होता है? प्लीज वो बता दीजिए. इनकम रेवेन्यू इनकम जर्न जब जनरल टर्म में आप बात करते हो, कॉमन सेंस में आप समझते हो, तो इज इट अ रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट? इसे रेवेन्यू रिसिट. तो रेवेन्यू रिसिट मतलब इसको खाली इस साइड को टैक्स करना चाहिए था ना, इसको रेंट को टैक्स करना चाहिए था, प्रॉफिट को टैक्स करना चाहिए था, इंटरेस्ट इनकम को, डिविडेंड इनकम को, ऐसे जो रेवेन्यू इनकम है जो रिकरिंग नेचर है जो बार बार होते रहते हैं जो अमाउंट में छोटे होते हैं ऐसे इनकम को इसको टैक्स करना चाहिए था. तो इनकम टैक्स में जनरली रेवेन्यू रिसिट्स ही टैक्स होते हैं. ठीक है ना? मैंने आपको क्या बताया, इनकम टैक्स में जनरली रेवेन्यू रिसिट ही टैक्स होते हैं. और रेवेन्यू रिसिट्स का लॉ भी मैंने आपको बताया था, यूनिवर्स बना के बताया था कि अगर ये रेवेन्यू रिसिट का यूनिवर्स है, यूनिवर्स में के सारे रेवेन्यू रिसिट यहाँ पे है, तो इनकम टैक्स में कौन से रेवेन्यू रिसिट टैक्सेबल है इसका कोई लिस्ट नहीं है. डू वी हैव द लिस्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम इन इनकम टैक्स? क्या ऐसा कोई लिस्ट है जिसकी जहां पे लिखा गया टैक्सेबल इनकम? जी नहीं, हमारे पास ऐसा कोई लिस्ट नहीं है क्योंकि हमारा इनकम टैक्स कॉम्प्रेहेंसिव लॉ है. सो व्हेन आई से कॉम्प्रेहेंसिव लॉ, कॉम्प्रेहेंसिव लॉ का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने भी टाइप का इनकम एग्जिस्ट करता है तो भैया वो सारे के सारे यहाँ पे होते हैं. बिल्कुल यश. तो यहाँ पे हमारे पास जब भी कॉम्प्रेहेंसिव लिस्ट होती है तो हमारे पास कभी भी टैक्सेबल आइटम की लिस्ट नहीं होती, हमारे पास नॉन टैक्सेबल आइटम की लिस्ट होती है विच इज गिवन इन सेक्शन 10. सेक्शन 10 में हमें एग्जम्पशंस दिए गए हैं. तो इफ यू वॉन्ट टू नो वॉट ऑल इज टैक्सेबल इन इनकम टैक्स, देन फर्स्ट यू नीड टू स्टडी वॉट ऑल इज एग्जम्प्टेड इन इनकम टैक्स. वंस वी आर डन विद वॉट ऑल इज एग्जम्प्टेड इन इनकम टैक्स, तो भैया जो बच गया बचा हुआ इनकम है सारा, वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर, एवरीथिंग इज टैक्सेबल. सो दैट इज द टैक्सेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू रिसिट. दिस इज द लॉ ऑफ रेवेन्यू रिसिट. सो वॉट इज द लॉ ऑफ कैपिटल रिसिट? द लॉ ऑफ कैपिटल रिसिट इज गोज लाइक दिस.
कि दुनिया के सारे कैपिटल एसेट जो भी होंगे वो नॉट टैक्सेबल है, कैपिटल एसेट्स आर नॉट टैक्सेबल, लेकिन फिर हमें सिलेक्टेड कैपिटल एसेट को टैक्स करना था। मैंने क्या बोला, हमें सिलेक्टेड कैपिटल एसेट्स को टैक्स करना था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेवेन्यू, इनकम टैक्स का मतलब रेवेन्यू होता है, नहीं तो इसका नाम रिसिप्ट टैक्स रखना चाहिए था, इसका नाम इनकम टैक्स नहीं हो कि इसका नाम क्या होना चाहिए था, रिसिप्ट टैक्स होना चाहिए था। अगर इसको सारे टाइप की दुनिया के रिसिप्ट को टैक्स करना होता तो मैंने बैंक से लोन लिया, नो नो मेरे अकाउंट में पैसे तो आए बट इट इज नॉट माई इनकम, व्हाई इज इट नॉट इन योर इनकम, बिकॉज आई हैव टू रिपे, इट्स अ कैपिटल रिसिट, आई हैव इशूड अ शेयर कैपिटल, व्हाई शुड शेयर कैपिटल बिकम अ टैक्सेबल आइटम, बिकॉज इट्स माई लाइबिलिटी, इट्स माई ऑब्लिगेशन, इट्स माई कैपिटल रिसिट। तो ऐसे आप बोलते हो, सर माई फादर हैज गिवन मी 10 करोड़ रुपीज का गिफ्ट टू स्टार्टअप बिजनेस, सर शुड इट बिकम टैक्सेबल, तो आंसर इज नो नॉट टैक्सेबल। कल हमने गिफ्ट टैक्सेशन को कवर किया, तो मैंने बताया कि मैरिज के दिन पे आपको बहुत सारा गिफ्ट मिलता है, दैट इज अ कैपिटल रिसिट। आपकी नई जिंदगी शुरू करने के लिए आपको किसी ने गिफ्ट दिए हुए हैं, और वो नई जिंदगी चालू करने के लिए जो पैसा लगता है वो शादी के दिन पे आपके पास, या जो भी असेट्स होते हैं बहुत सारे कभी कभी, तो काइन में पैसे में आपको गिफ्ट मिलता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, तो वो भी कैपिटल रिसिट्स है। और कैपिटल रिसिट्स को हम टैक्स नहीं करते अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल इन सर्टन प्रोविजन, कोई प्रोविजन होना चाहिए जो कैपिटल रिसिट को टैक्स करता है। जनरल लॉ में हम कैपिटल रिसिट को टैक्स नहीं करते। तो सर कौन से चैप्टर में या कौन से प्रोविजंस में हम कैपिटल रिसिट को टैक्स करने वाले, बिकॉज इट इज एक्सेप्शनल, नो, व्हाट इज नॉर्मल इन इनकम टैक्स, व्हाट इज नॉर्म्स इन इनकम टैक्स, रेवेन्यू रिसिट आर टैक्सेबल, ये नॉर्म है। इस चैप्टर को एक्सेप्शंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम कैपिटल रिसिट को टैक्स नहीं करते, कुछ सिलेक्टेड कैपिटल रिसिट को हम टैक्स करेंगे, और वो सिलेक्टेड कैपिटल रिसिट्स का जो मेन चैप्टर है जहां पे लिखा गया कि हाँ ये सारे रिसिट यहाँ पे टैक्स हो जाने वाले हैं, उसका नाम है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन पहले तो नॉर्मल है ही नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए आपके पांच हेड है ना, पांच हेड में पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का कंडीशन था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर हो जाता है, एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। तो मुझे बताइए सैलरी हेड रेवेन्यू रिसीव्ड टैक्स करता है कि कैपिटल रिसीव्ड टैक्स करता है? सैलरी क्या टैक्स करता है? रेवेन्यू रिसीव्ड को ही टैक्स करता है, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूं, हल्का सा कैपिटल रिसिट को भी ये टैक्स करता है, हल्का सा कैपिटल रिसिट को भी ये टैक्स करता है। मुझे बताइए इस सोर्स को बंद करना मतलब क्या करना? यस पूजा, वेरी गुड। इस सोर्स को बंद करना मतलब आप अपने सोर्स को बेच देना, अपने सोर्स को बेच देना मतलब वीआरएस ले लेना, और वीआरएस को भी टैक्स यही चैप्टर करता है, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है वीआरएस बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल नहीं है, पहले वो एग्जेम्प्ट होता है, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट मिलता है एग्जम्पशन सेक्शन 10 में जितना लिखा है उससे अगर आपने ज्यादा कमाया हुआ है तो वहां पे टैक्स हो जाएगा। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन भी यहाँ पे ही टैक्स होता है, ग्रेच्युटी भी यहीं पे टैक्स होता है, लीव इन कैशमेंट भी यहीं पे टैक्स होता है, उन सबको रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं। वो रिकरिंग नेचर में है कि नॉन रिकरिंग नेचर में है? वो रिकरिंग के नेचर में है कि नॉन रिकरिंग के नेचर में है? तो काइंड ऑफ व्हाट यू से, काइंड ऑफ कैपिटल रिसिट्स, थोड़ा तो सैलरी जैसा तो नहीं हर महीने आएगा, यस डू यू अग्री? लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा अगर इन दोनों को, कैपिटल गेन हेड को और मैं सैलरी के हेड को अगर मैं कंपेयर करूं, तो क्या मैंने कोई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट किया है? क्या मैंने अपने एम्प्लॉयर को कोई असेट सेल किया है जब मैंने रिटायरमेंट लिया था? नहीं। तो कैपिटल गेन का जो कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट जो अभी अभी आपने लिखा वो फुलफिल नहीं होता। चलो आप बोलते हैं सर एम्प्लॉयमेंट एक राइट है जिसको मैंने सरेंडर किया है, तो राइट इंटेंजिबल असेट होता है, ऐसा अगर आपने बहुत लंबा लॉजिक भी अगर लगाया तभी भी मुझे बताइए, अगर सैलरी में कोई चीज टैक्स होने वाली है तो सैलरी का हेड पावरफुल है ना, एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर हम बोलते हैं, एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर में इवन इट इंक्लूड्स रिटायरमेंट बेनिफिट, यस और नो? सैलरी का हेड अपने आप में पावरफुल हेड है, और उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 डाल के स्पेसिफिकली सारे आइटम को टैक्स किया गया है, तो आपको तो पता ही है जेनरली या स्पेसिवस नॉन डेरोगेंट। नाउ व्हेन वी से जेनरली या स्पेसिवस नॉन डेरोगेंट मतलब जनरल प्रोविजन शाल नहीं स्पेशल प्रोविजन शाल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन, तो जो चीज स्पेसिफिकली टैक्स की गई है उसकी हम जनरल नॉलेज में बात क्यों करें? जो असेट कहीं पे टैक्स नहीं हुआ स्पेसिफिकली
उसको ही हम कैपिटल गेन हेड में टैक्स करेंगे। ठीक है, आगे जाता हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब आप रेंट की बात करते हो। इफ देर इज अ हाउस प्रॉपर्टी, एस इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी इज नॉट यूटिलाइज फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन द रेंटल इनकम विल बी असेस एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगेन आई एम आस्किंग यू, इज इट अ रेवेन्यू रिसिट, रेंट इज अ रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट? आप आर और सी भी लिख सकते हो। सर इट इज अ रेवेन्यू रिसिट, दिस इज ऑल्सो अ रेवेन्यू रिसिट। देन आई एम गोइंग अहेड, पीजीबीपी में क्या टैक्स होता है? पीजीबीपी में क्या टैक्स होता है? सर पीजीबीपी में प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस टैक्स होता है। तो प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस जब टैक्स होता है तो अकॉर्डिंग टू यू, मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू यू, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस की जो बातें हम करते हैं, अगेन रेवेन्यू रिसिट है। बिजनेस तो हम रोज करते हैं, ट्रांजेक्शन हम रोज करते हैं। तो आप बोलोगे नहीं सर प्रॉफिट साल में एक बार होता है क्योंकि आप साल में एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। नो दैट इज रॉन्ग, प्रॉफिट एक बार रिपोर्ट होता है, प्रॉफिट बनता रोज है। आप समझ रहे हो ना, प्रॉफिट अक्रू रोज होता है, रोज मतलब रेगुलर बेसिस पे होता है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार बनाते हो, वो तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, प्रिपरेशन अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, तो दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसिट। चलो आगे जाता हूँ, आईएफओएस लास्ट वाला जो चैप्टर है, आईएफओएस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मेनली कौन से इनकम आते हैं? व्हाट आर द मेन इनकम्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? इंटरेस्ट, वेरी गुड, डिविडेंड, वेरी गुड, रेंट यहां पे भी आता है, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये जो कमीशन, ऑनरेरियम, ये सब कुछ जो है, पेंशन वगैरह के भी कुछ आइटम आते हैं वहां पे, ये सारे के सारे नाम अगर मैं लेता हूं तो ये सारे आपको क्या मेनली आपको क्या लगता है यहाँ पे? यहाँ पे मेनली क्या लगता है? ये रेवेन्यू रिसिट्स है। लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल रिसिट भी टैक्स होता है जो हमने कल किया, गिफ्ट इज अ कैपिटल रिसिट। मुझे आप बताइए अगर प्रोप्राइटर को किसी ने गिफ्ट दिया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या मारोगे? प्रोप्राइटर, मैं बिजनेसमैन हूं और मुझे किसी ने गिफ्ट दिया बिजनेस चलाने के लिए, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? गिफ्ट, गिफ्ट दिया मुझको, कोई भी हो सकता है। अच्छा, गिफ्ट मॉनेटरी भी हो सकता है, गिफ्ट नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। समबडी माइट हैव गिवन मी कैश और बैंक, मतलब मुझको तो कैश दिया होगा, मेरे बैंक में पैसे जमा किए होंगे, या मुझे जमीन दी होगी, ठीक है ना? तो मेरी जर्नल एंट्री मुझे बताओ, आई एम एक्सपेक्टिंग जर्नल एंट्री फ्रॉम यू। गिफ्ट मुझको मिला है, 10 करोड़ का गिफ्ट मिला है, 10 करोड़ ले लो, 1 करोड़ ले लो, जो कोई टेंशन नहीं है। रिलेटिव नॉन रिलेटिव उससे लेना देना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है वो नहीं बात कर रहा हूं। आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ गिफ्ट, आई एम आस्किंग अ जर्नल एंट्री। गिफ्ट टू पर्सन नेम, नहीं गलत है, गिफ्ट टू पर्सन नेम बनाओगे जिसने पर्सन, जैसे आपने अगर लिखा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पेरेंट्स अकाउंट, ठीक है ना, अगर आपने पेरेंट्स का नाम लिखा तो आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए क्या गड़बड़ हो जाएगी, वो आपकी लाइबिलिटी में खड़ा हो जाएगा, और लाइबिलिटी मतलब उसको लोन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, लोन दिखेगा तो वो गलत एंट्री है। गिफ्ट टू प्रोप्राइटर, ए देवा रे, ए कैसे रे, कहां से प्रोप्राइटर नालायक लोग, प्रोप्राइटर के बुक में प्रोप्राइटर का नाम लिखोगे तुम लोग? तूने सोचा बरोबर है, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम नहीं आता, लेजर का नाम बताना। अवधूत का आंसर राइट है, कैश बैंक टू गिफ्ट अकाउंट। ले गिफ्ट अकाउंट कौन सा लेजर है रे? गिफ्ट टू डेटर। तुम लोग कितने नालायक लोगो, हाँ इतने भी नालायक रहोगे मैंने अज्यूम नहीं किया था, ठीक है ना? तो एक तो कैश होता है या बैंक होगा या असेट होगा, ये मेरे पास आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ अभी सर को मुझे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, सर देखो आपके बच्चे कितना अच्छा अकाउंटिंग करते हैं। हाँ कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट, ये तो होना ही है डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, उसका तो नियम चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हो तुम लोग, मुझको इनोवेटिव आंसर दे रहे हो, टू प्रोप्राइटर अकाउंट, टू गिफ्ट अकाउंट, टू गिवर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। नालायक लोगों, ये गिफ्ट जो है वो तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल है, तो इसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना? आपने कुछ बेचा है क्या यहाँ पे? हैव यू ट्रांसफर्ड एनीथिंग? आर यू गोइंग टू रिपे दिस पर्टिकुलर अमाउंट? नो राइट, इट इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। व्हेन यू रिसीव्ड समथिंग विदाउट कंसिडरेशन, इट इज कॉल्ड अ गिफ्ट। तो ये रिकरिंग नेचर में होता है कि नॉन रिकरिंग नेचर में होता है? अगेन
गिफ्ट जो होता है वो रिकरिंग होता है कि नॉन रिकरिंग होता है? नॉन रिकरिंग होता है। तो सर ये भी तो कैपिटल एसेट्स है। हाँ ये भी कैपिटल एसेट है सर। तो इसको कैपिटल गेन में क्यों नहीं टैक्स किया? इसको कैपिटल गेन में इसलिए टैक्स नहीं किया क्योंकि IFOS का स्पेशल चार्ज है इसके ऊपर। सेक्शन 2 सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 इज अ स्पेशल चार्ज। अगेन रूल वही है, जेनरली या स्पेसिबस नॉन डेरोगेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में एक टर्म है जो ये बोलती है स्पेशल प्रोविजन शाल प्रीवेयर ओवर जनरल प्रोविजन। तो जो स्पेशल चीजें किसी और चैप्टर में टैक्स हुई है उसको मैं कैपिटल गेन हेड में टैक्स नहीं कर सकता। दूसरा इसका लॉजिक ये है कि कैपिटल गेन हेड में टैक्स होने के लिए दो कंडीशंस होती है, कैपिटल असेट प्लस ट्रांसफर। तो यहां पे ना ही कैपिटल असेट है ना ही ट्रांसफर है, तो ये दोनों कंडीशन कंप्लाई नहीं होती, इसलिए ये वाला गिफ्ट आइटम जो है वो कैपिटल गेन हेड में टैक्स नहीं हो सकता था। चलो लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल डिस्कशन। ओवरऑल मेनली हमारे ये जो चार हेड होते हैं, सैलरी, HP, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेस, इन चार हेड्स में रेवेन्यू रिसिट्स को टैक्स किया जाता है। एक हेड ऐसा है जो एक्सेप्शनल है, जब इनके सोर्सेस को बेचा जाता है तो यहाँ पे टैक्स होता है, ठीक है ना? जैसे आपको हर साल रेंट नहीं कमाना है, लमसम में पैसे कमाने हैं, तो घर बेच दिया। घर बेच दिया तो फिर सर घर तो रोज रोज बेचोगे नहीं, तो कैपिटल गेन हो जाएगा। मतलब पहले आप सोर्स में से पैसे कमा रहे थे तो रेवेन्यू रिसिट, सोर्स ही सेल कर दिया तो कैपिटल रिसिट। हमारी जो लैंग्वेज थी, इफ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज अ इनकम, तो क्रॉप बेच के पैसे कमाना इज अ रेवेन्यू रिसिट। लैंड ही बेच दिया मैंने तो कैपिटल रिसिट। मैंने बोला इफ अ ट्री इज अ सोर्स देन फ्रूट इज अ इनकम, तो फ्रूट कमाना, फ्रूट से पैसे कमाना रेवेन्यू रिसिट है। ट्री ही बेच देना कैपिटल रिसिट से, कैपिटल गेन में टैक्स होना। इफ हाउस प्रॉपर्टी इज द सोर्स देन रेंट इज अ इनकम, रेंट होगा तो HP में टैक्स होगा। घर ही बेच दिया तो कैपिटल गेन में टैक्स होगा। सर इफ अ बिजनेस इज अ सोर्स देन प्रॉफिट इज अ इनकम, तो अगर प्रॉफिट कमाते रहोगे तो PGBP में टैक्स हो जाएगा। बिजनेस ही अगर आपने सेल कर दिया तो कैपिटल गेन में टैक्स होना चाहिए। अब बिजनेस को सेल करना मतलब कैसे सेल करना मुझे बता दीजिए। हाउ डू वी सेल बिजनेस, अंडर विच चैप्टर यू हैव लर्न दैट वी कैन सेल होल बिजनेस, एंड इन व्हेन वी सेल बिजनेस इट्स नॉट ओनली वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज की जो बात होती वो नहीं होती। तो यस, वन ऑफ द वे ऑफ सेलिंग बिजनेस इज स्लम सेल। यस, स्लम सेल के अलावा मुझे बताइए। स्लम सेल तो एक डिवीजन को बेचना होता है, पर्टिकुलर डिवीजन को आपने बेचा, उसके अलावा हाउ डू यू ट्रांसफर योर बिजनेस? पूरा का पूरा बिजनेस आप असेट पकड़ पकड़ के ट्रांसफर नहीं करते। अमालगमेशन, यस अमालगमेशन मर्जर में हमारा बिजनेस ट्रांसफर होता है। स्लम सेल तो फिर भी टैक्सेबल है, लेकिन जो अमालगमेशन या मर्जर है वो लॉ ने सेक्शन 47 में लिखा है, मतलब टैक्स लग सकता था लेकिन टैक्स नहीं लगाना है, इसलिए उन्होंने उसको एग्जम्प्ट करके रखा है। बट ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, अगर आपने कंडीशंस कंप्लाई नहीं किए तो बिजनेस का जो ट्रांसफर होता है थ्रू अमालगमेशन वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर मैंने आपको बताया डिबेंचर इज द सोर्स देन इंटरेस्ट इज द इनकम, तो भैया अगर आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया तो आपके हाथ में इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम अगर आपने कमाया तो रेवेन्यू रिसिट है, IFOS में टैक्स हो जाएगा। डिबेंचर अगर आपने सेल किया तो कैपिटल रिसिट है, कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर आपने डिविडेंड कमाया इक्विटी शेयर से तो डेफिनेटली टैक्सेबल अंडर IFOS विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड सर अगर आपने शेयर ही बेच दिया, इक्विटी शेयर ही सेल कर दिया तो कैपिटल असेट हो जाएगा, और कैपिटल असेट ट्रांसफर होने से कैपिटल गेन होता है। तो ये चैप्टर आपके लाइफ में रिकरिंग चैप्टर है क्या? अभी आपने आर्टिकल शिप में यू मस्ट हैव फाइल्ड मोर देन 100 रिटर्न कंबाइंड करके, तो मैं बात करता हूं आप लोगों की बैच ने 100 200 300 रिटर्न्स तो फाइल किए होंगे कंबाइंड, मतलब सबने मिलके, अलग अलग लोगों ने अलग अलग आराम से किए होंगे उतने। तो वॉज इट वेरी कॉमन टू सी कैपिटल गेन चैप्टर इन द रिटर्न्स? लाइक बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, लाइक एवरीबडी इज अर्निंग कैपिटल गेन? नो इट वॉजेंट, राइट? बाकी सैलरी रेगुलर है, HP ठीक था, PGBP तो होता ही है, अभी आपने जितने भी ऑडिट फाइल किए रहेंगे सारे PGBP वाले रहेंगे, IFOS भी रहता ही है। हाँ शेयर्स वाला रहता है, कैपिटल गेन में भी शेयर्स वाला जो रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट में अभी ट्रेडिंग लोगों ने थोड़ी ज्यादा कर ली है तो थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट भी हो चुका है। लेकिन सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी,
हाँ, सेल ऑफ बिजनेस, अमालगमेशन, मर्जर, स्लम सेल, डिबेंचर सेल, डेथ ऑफ द पर्सन, डेथ में फिर इनहेरिटेंस में ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी, तो ये बहुत कम आता है। तो मैंने आपको क्या लिख के दिया है, मुझको खाली एक ही वर्ड आपको समझाने का है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू वन सिंपल वर्ड कि ये चैप्टर जो है ना, ये नॉर्मल चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर ऑफ एक्सेप्शन। मतलब पहले तो ये एक्सेप्शनली आपके सिलेबस में आता है, एक्सेप्शनली सिलेबस में आने के बाद भी, ठीक है ना, सिलेबस में आने के बाद भी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सेप्शनली आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप ऑफिस में काम करने बैठते हो तो एक्सेप्शनली आपके पास आता है। तो मुझे बताइए, इस दुनिया में एक कम्युनिटी है, ठीक है ना, इस दुनिया में टैक्स प्रोफेशनल्स की कम्युनिटी है, टैक्स प्रोफेशनल जिनको टैक्सेशन आता है, टैक्स के ऊपर वो काम करते हैं, इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें सीए आते हैं, सीएस आते हैं, सीएमए आते हैं, बीकॉम वाले आते हैं, एमकॉम वाले आते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स आते हैं, जिसने जिंदगी में पढ़ाई नहीं की वो भी आता है। ऐसे नहीं कि आप क्वालिफाइड रहोगे तो ही आप टैक्स का काम कर सकते हो। कभी कभी ऑफिस बॉय भी जो होता है, जो सीए फर्म में 10 10 साल काम कर लेता है, तो उसको भी टैक्स का अच्छा खासा नॉलेज आ जाता है, तो वो भी जॉब छोड़ के अपना दुकान चालू कर देता है। इन लोगों को, ये जो जनरल लोग हैं, इन लोगों को जो नॉर्मली टैक्स का काम करते हैं, जीएसटी का, आईटीआर फाइलिंग का काम करते हैं, जिनके पास हजार हजार रिटर्न होते हैं, मतलब मैंने देखा हुआ है एक एक टैक्स कंसल्टेंट के पास 1,000 रिटर्न, 1,500 रिटर्न, इतना काम होता है, ठीक है ना। सीए लोगों के पास इतने ऐसे इतना डिटेल में काम नहीं होता, ठीक है ना। वी डोंट डोंट डू द बल्क वाला वर्क, मतलब हम क्वांटिटी पे ज्यादा काम नहीं करते। तो ऐसे टैक्स कंसल्टेंट्स वगैरह बहुत सारे मार्केट में हैं। तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, एज अ सीए सीएमए, क्या ये जो मार्केट में जितने भी लोग हैं, क्या इन सबको कैपिटल गेन का चैप्टर आता होगा? क्या इसमें से कोई भी बंदा उठ के अमालगमेशन का टैक्सेशन कर पाएगा? टैक्सेशन ऑफ अमालगमेशन, कि दो कंपनीज मर्ज हो रही है, चलो चलो जी टैक्स कर लेते हैं। अब वो शेयर मार्केट वगैरह का क्या है? शेयर मार्केट वगैरह का ठीक है, शेयर मार्केट में टैक्स निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल तो वो जो शेयर मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं, या जो क्या बोलते हैं आपके डीमैट अकाउंट वाले रन करने वाली जो कंपनी होती है, वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे देती है, तो आपको ज्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करना होता, वो ब्रोकर लोग जो होते हैं वही आपको करके दे देते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसमें ब्रेन एप्लीकेशन है, लेकिन ओवरऑल आपको पीएनएल वगैरह मिल जाता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड हो जाता है, रोज का नहीं है इसलिए नहीं कर पाएंगे, ट्रू ट्रू नहीं कर पाएंगे। तो आपको नहीं लग रहा, अगर हमारी, अगर हमने कम्युनिटी का काउंट लिया, तो स्लम सेल, अमालगमेशन, सेल ऑफ कॉम्प्लेक्स असेट, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट असेट है, बोलते हैं ना, इतना एकदम प्लेन नहीं है, जैसे 1975 में दादाजी ने बनाया था, फिर पापा के पास ट्रांसफर हुआ, पापा ने उसमें मॉडिफिकेशन किया, डिमोलिश किया, नया प्रॉपर्टी बनाया, फिर इम्प्रूवमेंट किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर बेचा, तो ऐसा बहुत सारा, अगर जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाता है, जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाता है, ये सारा जो कम्युनिटी है टैक्स टैक्स पेयर, टैक्स प्रोफेशनल्स का, वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। आई एम नॉट इवन सेइंग सिलेक्ट, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू इट, देर आर वेरी फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्यू टैक्स प्रोफेशनल्स हु कैन एक्चुअली गिव द कंसल्टेंसी ऑफ कैपिटल गेन। ये नॉर्मल कंसल्टेंसी नहीं है, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंसल्टेंसी। पहले पहले मैं आपको बता रहता हूं, कैपिटल गेन की कंसल्टेंसी मार्केट में स्पेशल स्पेशल कंसल्टेंसी में कंसिडर होती है, वेरी स्पेशल, ठीक है। मैं कल एक सीए इंस्टीट्यूट का कोई स्पीच देख रहा था, बहुत ही सीनियर व्यक्ति थे जो स्पीच दे रहे थे, सीए प्रैक्टिस के ऊपर वो बात कर रहे थे साहब, ठीक है। उन्होंने एक नागपुर के या नासिक के, नागपुर या नासिक, आई एम कंफ्यूज इन दिस टू सिटीज, नागपुर या नासिक में तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में आए, ठीक है ना, थ्री चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में आए, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, और वो तीन के तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अकाउंटिंग का काम नहीं करेंगे, हम स्टैट्यूटरी ऑडिट्स का काम नहीं करेंगे, हम बैंक ऑडिट्स का भी काम नहीं करेंगे, हम इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन का भी काम नहीं करेंगे, हम जीएसटी का भी काम नहीं करेंगे,
हम कंसल्टेंसी का भी काम नहीं करेंगे, तो आपके भी मन में आना चाहिए, तो क्या करेंगे? सीए बनने के बाद अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो कर क्या रहे हो फिर? तो इन तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने डिसाइड किया, एंड आई आई रियली वॉन्ट टू मीट दिस पीपल, ठीक है ना, मुझे उनको ढूंढना है और उनको जाके मिलना है, एंड आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेट टू देम दैट दे थॉट समथिंग वेरी वेल। इन तीन के तीन पार्टनर्स ने डिसाइड किया हम ओनली एंड ओनली टीडीएस की कंसल्टेंसी करेंगे, ठीक है ना, हम ओनली किसकी कंसल्टेंसी करेंगे, वी विल डू कंसल्टेंसी ओनली ऑफ टीडीएस, ओनली टीडीएस का काम करेंगे, नथिंग एल्स। और कोई भी इंक्वायरी आने दो अपने ऑफिस में, हम सबको एक ही चीज बोलेंगे, सर वी डोंट डू जीएसटी, वी डोंट डू अकाउंटिंग, वी जस्ट डू टीडीएस, ठीक है ना। अब जो वीडियो मैंने देखा वो 1-1.5 साल पुराना वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया कि दे हैड रफ डेज, ऑब्वियसली स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उनका डिफिकल्टी हुआ रहेगा, बट द लास्ट रेवेन्यू दैट दे क्लोज वॉज मोर देन 30 करोड़, ठीक है ना, 30 करोड़ प्लस था, ओनली टीडीएस का चैप्टर, ओके क्योंकि वो टीडीएस के चैप्टर में इतने बाप लोग बन गए होंगे कि एक ही काम करना है ना, टीडीएस का ही काम करना है और कोई काम ही नहीं करना है। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, एमएनसी वगैरह होती है, तो उनके यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स टीडीएस के सिस्टम्स बनाने होते हैं, ठीक है ना, एक प्रोटोकॉल बनाना होता है, शायद उन्होंने वो क्रैक कर लिया होगा, और 2-4 कॉर्पोरेट बड़े इनको अगर मिल जाते हैं तो दैट्स ऑल, आपको और कुछ नहीं करना है। टीडीएस एक अपने आप में एक स्पेशल चैप्टर, एक स्पेशल कंसल्टेंसी है। तो वैसे ही मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे ओनली टीडीएस को यूज करके दे हैव बिल्ट अ वंडरफुल बिजनेस अराउंड इट, एंड आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट 30 करोड़, मे बी दे विल क्रॉस 300 करोड़ वेरी सून, ठीक है ना, एंड वेरी सून दे विल बिकम वन ऑफ द 1000 करोड़ कंपनी। 1000 करोड़ का टर्नओवर होना अपने आप में एक, बोलते हैं ना, एक बेंचमार्क है, बहुत कम लोग 1000 करोड़ तक जाते हैं। आई डोंट इवन नो देम, बट आई विश देम दैट दे शुड बिकम अ 1000 करोड़ कंपनी एंड एस्टैब्लिश अ बेंचमार्क, कि आपको बाप बनने के लिए, इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन एवरीथिंग, इवन वन चैप्टर फ्रॉम इनकम टैक्स इज केपेबल इनफ टू गिव यू एवरीथिंग, ठीक है ना, वॉट एवर यू थॉट। सिमिलरली अगर टीडीएस, अगर टीडीएस के चैप्टर में अगर ये ताकत है, तो मैं भी आपको बता रहा हूं कैपिटल गेन के चैप्टर में भी उससे ज्यादा ताकत है। कैपिटल गेन क्योंकि बहुत कम लोगों को समझ में आता है, जैसे आप स्टूडेंट लेवल पे अभी सोच रहे हो, तो मैं भी आपको वही बताने का ट्राई कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे भी कैपिटल गेन जैसा चैप्टर इज हैविंग अ वेरी वास्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, और ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो। हाँ, एक कोई तो बुढ़ा आएगा आपके ऑफिस में, उसने घर लेके रखा होगा, उसने घर बेच दिया होगा, सर उसने 10 लाख का घर लिया था, फिर उसने बेच दिया 100 लाख में, 100 लाख में बेचने के टाइम पे उसने 2% का ब्रोकरेज वगैरह ट्रांसफर किया, तो उसको सर खर्चा आया, तो 98 लाख का नेट कंसिडरेशन हो गया। सर ये 10 लाख को अगर हम इंडेक्सेशन लगाते हैं, इंडेक्सेशन लगाते हैं तो सर ये 35 लाख हो जाता है या 40 लाख हो जाता है, चलो मैं अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका 40 लाख हो गया, ठीक है ना, तो सर 98 लाख में से 40 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट चला गया, तो साहब 58 लाख का इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। नाउ ही हैज, हम इसको टैक्स की प्लानिंग बताएंगे सर, क्योंकि अभी इन्होंने घर सेल किया है, तो इनको क्या करना चाहिए, 58 लाख पे 28% लगे, 20% लगेगा टैक्स, 58 लाख पे 20% का टैक्स बहुत बड़ी टैक्स हो जाती है, बताइए, अरे टैक्स प्लानिंग बताइए, इसको 58 लाख पे टैक्स नहीं भरना है, सीनियर सिटीजन है। हाँ, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर डालो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, बुढ़ा इंसान है, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल वाला सेक्शन आपके माइंड में आना चाहिए था वो 54 आना चाहिए था, ठीक है ना, कि नया घर ले लो, ठीक है ना, नया घर ले लो सर, 50 सेक्शन 54 में, सेक्शन 54 में नया घर ले लो, 58 लाख के प्लस वाला ले लो, जीरो टैक्स भरना पड़ेगा आपको, टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है, और वो नहीं करना है तो चलो ठीक है, घर इतना महंगा नहीं लेना, एक काम कीजिए आप छोटा मोटा तो घर लीजिए, 30-35 लाख का तो घर लीजिए, तो 38 लाख का घर ले लीजिए, 38 लाख का घर लेने के बाद फिर से कितना बच रहा है सर, 20 लाख बच रहा है सर, वो 20 लाख रुपीज जो है वो एनएचएआई के बॉन्ड में डाल दीजिए, एनएचएआई के बॉन्ड में डाल दीजिए, एनएचएआई के बॉन्ड में डाल दोगे तो आपको वो 20 लाख रुपए मैक्सिमम, 50 लाख तक का है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, तो यू कैन कंबाइन द सेक्शन एंड यू कैन जीरो जीरो डाउन हिज कैपिटल गेन।
आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये करना कैपिटल गेन है, तो ये तो पढ़ाने के लिए मुझको 5 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट, और ये पढ़ाना ही क्या है, आपको पहले से ही पता है। हाँ, ये क्या पढ़ाऊं मैं, ये तो आपको पहले से आता है ना रे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर ट्रांसफर एक्सपेंस, फिर नेट कंसिडरेशन, फिर ने कैपिटल गेन आएगा। सर अगर थोड़ा मोटा टैक्स हो भी जाता तो सेक्शन 112 लग जाता, एट द रेट ऑफ 20% आप टैक्स निकालते। हाँ हो गया, वेरी गुड, वेल डन, एक्सलेंट। अरे ये नहीं पढ़ना है कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में वो पढ़ना था। क्या पढ़ना था पता है आपको कैपिटल गेन में? कैपिटल गेन क्यों मैं बता रहा हूं, चैप्टर ऑफ एक्सेप्शंस है। कैपिटल गेन में कुछ ऐसा हुआ, किसी को कैपिटल गेन कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझा, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, हांगकांग की एक कंपनी थी जिसका नाम था हच, ये हांगकांग में है, ठीक है। नेदरलैंड में एक कंपनी थी जिसका नाम था वोडाफोन इंटरनेशनल, हांगकांग में एक कंपनी जिसका नाम था हच, नेदरलैंड में एक कंपनी जिसका नाम था वोडाफोन, ठीक है। हांगकांग की जो कंपनी थी उसकी एक 100% सब्सिडी थी, 100% ले लो या सब्सिडी ले लो, फैक्ट्स नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सब्सिडी थी, सब्सिडी मतलब उनके पास कंट्रोल था। उस कंपनी का नाम था सीजीपी, सीजीपी थी केमैन आइलैंड में, केमैन आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है किधर तो दुनिया में, ठीक है ना, और यहां पे एक कंपनी थी सीजीपी केमैन आइलैंड। हुआ कुछ ऐसे, ये नेदरलैंड की जो कंपनी है उसको इस कंपनी के शेयर्स खरीदने थे, तो इस कंपनी के शेयर्स किसके पास है, इस कंपनी के शेयर्स हांगकांग के पास है, तो हांगकांग की कंपनी ने नेदरलैंड की कंपनी को शेयर्स बेच दिए, खुद के शेयर्स नहीं, सीजीपी के, क्योंकि इनके बुक में ये इन्वेस्टमेंट होगी ना, बैलेंस शीट इमेजिन कर पा रहे हो ना, इनके बुक में ये क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन सीजीपी, तो इन्वेस्टमेंट इन सीजीपी को इन्होंने बेच दिया, तो ये बन गई इन्वेस्टमेंट, अभी इनके बैलेंस शीट में आ गई इन्वेस्टमेंट इन सीजीपी, तो यहां का असेट वहां चला गया, पैसे इन्होंने इनको दिए होंगे, ठीक है, पैसे इन्होंने इनको दे दिए, तो बहुत सारे पैसे दिए, कुछ लाख्स में दिए, लाख्स डॉलर्स में दे दिए, उससे छोड़ दो, तो भैया इतना सब यहां से यहां पे चला गया, वेरी गुड, यहां से पैसे चले गए, डॉलर चले गए, डॉलर में लिख देता हूं, फॉरेन करेंसी गई रहेगी, यूरो गया रहेगा, डॉलर गया रहेगा, जो भी गया रहेगा, लेकिन फॉरेन करेंसी चली गई। तो मुझे आप बताइए फैक्ट्स क्या है, इस स्टोरी के फैक्ट्स क्या है, स्टोरी के फैक्ट्स ये है कि जो ट्रांसफरर है वो नॉन रेसिडेंट है क्योंकि वो हांगकांग का है, ट्रांसफरर जिसने शेयर्स ट्रांसफर किए, जो ट्रांसफररी है वो भी नॉन रेसिडेंट है, वो नेदरलैंड का है, जो असेट का लोकेशन है, असेट कहां पे लोकेटेड हुआ है, फॉरेन कंट्री में, और जो कंसिडरेशन पे हुआ है वो भी कहां पे हुआ है, फॉरेन कंट्री में, फॉरेन करेंसी में, और ये जो अग्रीमेंट हुआ है, अग्रीमेंट ठीक है ना, अग्रीमेंट या जो भी ट्रांजैक्शन निगोशिएशन ये जो भी हुआ है ये सब भी फॉरेन कंट्री में हुआ है। तो बाय एनी चांस क्या आपको लगता है ये इंडिया में टैक्सेबल होगा, बाय एनी चांस, आपको अगर ओरिजिनल केस लॉ पता है तो, नहीं मैं ओरिजिनल केस लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने फैक्ट्स लिखे उसके ऊपर बताओ, या नाम छोड़ दो, नाम एक्स वाई जेड ले लो, अपने नाम ले लो, ठीक है ना, ये तो टैक्स होना ही नहीं है ना इंडिया में, तो ये नहीं होगा सर टैक्स। ओके, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं आज फिर से, एक बार मैंने पहले भी कभी तो आपको पूछी थी, ठीक है ना, आज फिर से पूछना चाहता हूं, आप जब शादी करने जाओगे या किसी लड़की को या लड़के को, पता नहीं अभी जैसा भी आपका सिचुएशन है, आप प्रपोज करना चाहते हो या शादी है, आज एंगेजमेंट है, तो आप कौन सा रिंग लेके जाओगे, रिंग देने की एक
मतलब ट्रेडिशन बन चुका है, गोल्ड रिंग लेके जाएगा, और तो गोल्ड रिंग्स के क्या होता है रे, डायमंड रिंग लेके जाना होता है। गोल्ड में मजा नहीं है, गोल्ड रिंग तो 3,000 का आता है, 4,000 का आता है, 5,000 का आता है, बहुत सस्ता आता है। हाँ प्लाटिनम का लेके जाएंगे, वेरी गुड, प्लाटिनम भी चलेगा, थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन प्लाटिनम में और चांदी में फर्क नहीं समझता लड़की लोग को, तो इसलिए चुपचाप गोल्ड वाला ही लेने का जिसके ऊपर डायमंड है, जो सिंपल है, नहीं तो बोलेंगे चांदी वाला लाके दिया है। ठीक है, तो वो जो रिंग होता है वो गोल्ड का होता है क्या कि डायमंड का होता है? आप जिसको डायमंड रिंग बोलते हो, क्या वो रिंग डायमंड का होता है? मतलब वो पूरा सर्कल डायमंड का होता है, डायमंड अपने हाथ में जाता है, ऐसा है कि जो बेस है वो या प्लाटिनम का होगा या गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा, मतलब कोई मेटल का होगा, बेस पूरा मेटल का होता है, उसके टॉप पे क्या होता है, डायमंड होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है डायमंड का। तो डायमंड के औकात देख रहे हो कितनी है, तुम डायमंड के औकात देख रहे हो क्या? ये पूरा रिंग जो है, मतलब जो मेन मटेरियल है, ये जो मेन मटेरियल है वो गोल्ड का है, उसके टॉप पे इधर हल्का सा डायमंड है, इतना सा, ठीक है ना? लेकिन इसकी औकात देखो कि इस रिंग का नाम गोल्ड रिंग नहीं है, इस रिंग का नाम डायमंड रिंग है। बताओ आप, ये तो फंडामेंटली रॉन्ग है ना, इसको तो गोल्ड, इसका एक्चुअल एक्चुअल नाम होना चाहिए था गोल्ड रिंग स्टडेड विद डायमंड, इसका डायमंड रिंग नाम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको डायमंड रिंग बोलते हैं, क्योंकि ये जो बेस है ना, बेस, हाँ इसलिए एग्जैक्टली आप लोगों से मिल जाते, तो आप बड़े इंटेलिजेंट लोग, आप पहुंच गए जहां पहुंचना चाहते थे, ठीक है ना? आप बोलना ये जो बेस है ना, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है सर, स्टैंडर्ड मतलब इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे गोल्ड, अगर अगर इसमें पकड़ लीजिए 10 ग्राम का गोल्ड है, 10 ग्राम का अभी क्या रेट चालू है रे मार्केट में, पता नहीं 60,000 के आसपास कुछ था, 6,000, 60,200 था, अपन लोग अप्रोक्सीमेटली 60,000 ले लेते, 10 ग्राम है, तो ये 60,000 फिक्स है, 1 तोला में एकदम हायर साइड पे लिया है, इतना भी महंगा नहीं लेना होता किसी के लिए रिंग, लेकिन चलो आप ले रहे हो, आप रिस्क बड़ी लेते हो, तो 10 ग्राम का आपने गोल्ड लिया हुआ है, 60,000 तो फिक्स है, लेकिन अभी ये रिंग कितने का है वो डिपेंड है इस छोटे से डायमंड के टुकड़े के ऊपर। अगर ये अमेरिकन डायमंड है, अमेरिकन डायमंड मतलब कांच का टुकड़ा, ठीक है ना, वो खाली चूना लगाने के लिए बोलते हैं अमेरिकन डायमंड, इट जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास, वो 200 रुपए में भी आता है, ठीक है ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 60,200 हो गया। और जैसे जैसे आप डायमंड का क्वालिटी बढ़ाते जाओगे, कैरेट बढ़ाते जाओगे, उसकी शाइनिंग बढ़ाते जाओगे, तो साहब ये 60 लाख की भी हो सकती है, 6 करोड़ की भी हो सकती है। मैंने क्या बोला समझा आपको, ये डायमंड चेंज होते जैसे जाएगा, ये बहुत सस्ते से लेके बहुत हाई वैल्यू तक जा सकता है। मुझे बोलना क्या है पता है, ये जो डायमंड रिंग है ना, इसका नाम डायमंड रिंग इसलिए है क्योंकि ये पूरी रिंग जो है, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द डायमंड, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये जो पूरा रिंग है ना, इट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द डायमंड। अब थोड़ा ऐसा समझने का ट्राई करो, इसलिए इसको डायमंड रिंग बोलते हैं। तो मुझे आपको यहां पे बताना है, क्या केमैन आइलैंड बहुत बड़ी कंट्री है? मुझे भी नहीं पता कितनी बड़ी कंट्री है केमैन आइलैंड, अपन गूगल सर्च कर लेते हैं ना, गूगल कब काम आएगा, मैं आपको बोलूंगा घर जाके सर्च करना, आप तो करने से रहे, ठीक है ना? ब्रिटिश ओवरसीज में आता है ये, देखो कितनी सा देश है, देखो फोटो, एक फोटो में देश खत्म हो गया, ये देश है बताओ साहब, अच्छे फोटो है रे, ब्यूटीफुल नेशन नो, बस खत्म हो गया, इतने ही इसके, इतने, ये देखो ना 264 स्क्वायर किलोमीटर पे ही है मतलब एक दिन भी नहीं लगेगा आपको घूमने के लिए, ठीक है, एक दिन में आप पूरा का पूरा आइलैंड घूमकर आ जाओगे। पॉपुलेशन देखो कितना है यहाँ पे, 68,000 का पॉपुलेशन है, इतने लोग तो अभी कल्याण स्टेशन पे खड़े रहेंगे,
तो मुझे आप बताइए प्लीज, केमैन आइलैंड में क्या सच में बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी होगी? अरे यार, मैंने गूगल क्यों बंद किया? क्या केमैन आइलैंड में सच में बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी होगी कि वोडाफोन जैसी कंपनी वहां पे ऑफर? कुछ तो 19 बिलियन का था, बिलियन बिलियन रहने दो, अपन INR में देखते हैं। ₹46,000 करोड़ का वैल्यूएशन था, मतलब 46-47,000 करोड़ का इंडियन रुपए में वैल्यूएशन किया गया था। इतना बड़ा अमाउंट, ये देखो यहां पे आ रहा है, वोडाफोन कनेक्ट्स बाय इकोनॉमिक टाइम्स में आया, 86,000 करोड़, 19.3 बिलियन पे उसका वैल्यूएशन किया गया है। हाँ, और उसका कुछ तो परसेंटेज परचेस किया गया था, वॉट एवर इट इज। हाँ, इतना बड़ा वैल्यूएशन हो सकता है क्या रे किसी टेलीकॉम कंपनी का CGP में? हाँ, इनके देश का इतना GDP भी नहीं रहेगा, पहले तो इसको देश बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देते इसको देश, इसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो इतनी बड़ी डील कैसे हो गई है? तो मुझे आपको ये बताना है कि ये गोल्ड है, ये क्या है पता है? ये गोल्ड है, मेरी भाषा में इसको मैं गोल्ड लिख देता हूं यहाँ पे छोटू सा, ये डायमंड नहीं है, इसका डायमंड नीचे है, ठीक है ना? मैं दिखाता हूं आपको। इस कंपनी ने, CGP ने इंडिया के एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। देखो डायमंड, डायमंड के शेप में आ गया ना, ये गोल्ड है और ये डायमंड है नीचे, अपना देश डायमंड है, ठीक है ना? बाकी सारे देश ऐसे बॉक्स होते हैं, अपना देश डायमंड है। तो ये गोल्ड है तो नीचे डायमंड है। इस कंपनी का नीचे होल्डिंग था और उसका नाम था हेल, इस कंपनी का नाम था हेल, हच SR लिमिटेड। SR एक हमारे देश का बड़ा ग्रुप है, स्टील वगैरह में है उनका, और हचिसन जो है उनका ये ज्वाइंट वेंचर इंडिया में रन करता था, जब इंडिया में टेलीफोन की एक कंपनी हुआ करती थी हच करके, ठीक है ना? वो डॉगी आपने देखा होगा, वो क्यूट सा जो होता है हच का, ठीक है ना? वो हच वालों का डॉगी था, अभी वो वोडाफोन का हो गया वो, लेकिन पहले वो ओरिजिनली हच करके कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी, इस कंपनी का नाम था हेल। तो मुझे आपको पूछना क्या है, और इस यहाँ पे भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, मतलब इस कंपनी का इधर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, सब्सिडरी है, ऐसे आप समझ लीजिए। नेदरलैंड की कंपनी में, कंपनी को ना ही हांगकांग में इंटरेस्ट था, ना ही केमैन आइलैंड में इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट तो क्लियर हो रहा है क्या आपका? नेदरलैंड की कंपनी को ना ही हांगकांग में बिजनेस लॉन्च करना था, ना ही केमैन आइलैंड में बिजनेस लॉन्च करना था। नेदरलैंड की कंपनी को बिजनेस एक्चुअली करना था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हम 140 करोड़ लोग हैं, अभी 142 है, लेकिन जाने दो, 2 करोड़ लोग जो एकदम ही यूजलेस है उनको छोड़ दो, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 140 करोड़ लोग हैं। यहाँ पे बिजनेस कुछ भी कर लो, अगर आपने पार्ले जी जैसी भी कंपनी लॉन्च की जो बिस्किट खाती है, ठीक है ना, और अगर आप एक पार्ले जी के पीछे 1 रुपया कमाते हो, तो आप एक दिन में 140 करोड़ कमा सकते हो। चलो मान लेते 40 करोड़ लोगों ने आज ऑन एन एवरेज नहीं खाया, लेकिन 100 करोड़ लोगों ने अगर खाया बिस्किट आपका, तो आपका एक दिन का प्रॉफिट 100 करोड़ है, अगर 1 रुपया भी आपने इंडियन लोगों से कमा लिया तो, ठीक है ना? ये फॉरेनर लोगों को ये सब समझ गया, इसलिए वो लोग बर्गर वगैरह बेच रहे हैं, आप समझ रहे हो ना? मैकडोनल्ड, KFC वगैरह सब इंडिया में क्यों है? क्योंकि उनको पता है हम लोग खाने पीने में एकदम आगे देश है, ठीक है? और वो हर बर्गर में से अगर 1-1 रुपया भी अगर रॉयल्टी कमा लेंगे, तभी भी करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हो, तो बहुत बड़ा बिजनेस है। जियो ने क्या किया? जियो ने बोला कि सब फ्री, ठीक है ना? टेलीकॉम इंडस्ट्री फ्री 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 फ्री, इंटरनेट फ्री, मैसेजिंग फ्री, कॉलिंग फ्री, कुछ नहीं चाहिए आपसे, और ऐसा फ्री कर दिया। आपको पता है जियो अगर 10 साल मार्केटिंग भी करता ना, तो उतना बड़ा मार्केट नहीं कैप्चर कर पाता जितना उसने खाली इंडिया के लोगों को बोला फ्री ले लो, ठीक है ना? इंडिया में हर कॉलेज का बंदा दूसरे लोगों को बोलता था, क्या एयरटेल यूज कर रहा है, पागल है क्या, जियो ले ले। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन ही उनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया, क्योंकि उन्होंने बोला सब फ्री है भाई, खाली जाके सिम कार्ड लेकर आना है, कल से सब कुछ फ्री।
और ऐसा उन्होंने लॉन्च किया, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम चार्जेस चालू किए थे तो उनका जो सब्सक्राइबर बेस था, उनका जो सब्सक्राइबर बेस था वो 25 करोड़ का था, ठीक है ना। अभी उनका डेफिनेटली 30 करोड़ के ऊपर गया होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है अपन 30 करोड़ मान लेते हैं। 30 करोड़ उनके पास पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो आज रिचार्ज करता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, रिचार्ज करता है। 399 का रिचार्ज भी अगर हम लेते हैं, मतलब 400 रुपीज का भी अगर हम ऑन एन एवरेज रिचार्ज लेते हैं, क्योंकि कुछ कंपनी ज्यादा हाई वैल्यू का रिचार्ज करती है, कुछ कम से करती है, तो कितने हजार करोड़ का रेवेन्यू बुक होता है उनका एक महीने में? 12 हजार करोड़ का रेवेन्यू बुक होता है। आपको नहीं लग रहा है कुछ बड़े बड़े नंबर, कुछ ज्यादा ही बड़े नंबर हो गए? मतलब इंडिया का कैपेसिटी बता रहा हूं कि इंडिया में टेलीफोन का कैपेसिटी कितना है, टेलीकॉम इंडस्ट्री कितना बड़ा इंडस्ट्री है हमारे देश का, इतना बड़ा इंडस्ट्री है। तो मुझे बताओ वोडाफोन को इधर इंडिया में बिजनेस दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा? वोडाफोन को इंडिया में बिजनेस दिखा क्या? यस, इंडिया में बिजनेस उसको दिखा, उन्होंने बोला, लेकिन इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं इधर इसको भारी रखता हूं, डील पूरी की पूरी इंडिया के बाहर हुई है, ठीक है ना। इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में एक चीज हो गई, ये जो हेल था वो इंडिया में वेल हो गया। ओहो, वेल हो गया, मतलब वो बोलती थी जस्ट द चेंज इन नेम ऑफ द ब्रांडिंग। पहले हच करके ब्रांडिंग करते थे हम, अब वोडाफोन करके ब्रांडिंग करेंगे। तो वोडाफोन एसआर लिमिटेड हो गया, जो पहले हच एसआर लिमिटेड था, इंडिया में खाली वोडाफोन एसआर लिमिटेड हो गया। और कोई एक क्रेजी फिनांस, क्रेजी इनकम टैक्स ऑफिसर, ये न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, लिटरली आप बात कर रहे हो, ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते न्यूज़पेपर में उसने बहुत बड़ा एड देखा, इनका एड आया हुआ था वोडाफोन वोडाफोन, और रोड पे भी जाता है तो सब जगह पे वोडाफोन दिख रहा है उसको, हर टीवी चैनल पे उसको वोडाफोन दिख रहा है, रेडियो सुन रहा है वोडाफोन दिख रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया रहेगा वोडाफोन वोडाफोन सुन के। उसने बोला कि ये साला वोडाफोन है क्या, मुझको ढूंढना है, ठीक है ना। ही फाउंड आउट कि यार वोडाफोन करके तो नई कंपनी इंडिया में आ गई, और नई कंपनी आई मतलब पुरानी कंपनी ने शेयर्स बेचे होंगे तभी तो नई कंपनी इंडिया में आई। एंड ही इन्वेस्टिगेटेड, एंड दैट पर्टिकुलर ऑफिसर सेंट अ नोटिस, ठीक है ना। लकीली उसी के ज्यूरिडिक्शन का था समझो, तो ये एक छोटा सा इनकम टैक्स ऑफिसर है, छोटा सा इनकम टैक्स ऑफिसर, इसने इस कंपनी को नोटिस दी। कौन सी कंपनी को नोटिस दी? वेल को। ओहो, वेल को नोटिस गई, जबकि वेल तो पूरे ट्रांजैक्शन में था ही नहीं। अरे आपको ये बहुत समझना, अभी आप टैक्स के प्रोफेशनल्स हो, स्टोरी करके मत समझो, अभी आपको लीगल चैलेंज करना है, ठीक है ना। नोटिस किसको गई? वेल को गई। नोटिस हांगकांग में जाती समझ में आता, क्योंकि उसको कैपिटल गेन हुआ था। नोटिस नेदरलैंड में जाती उसका भी समझ में आता कि भैया उस वो बायर था। नोटिस केमैन आइलैंड की कंपनी को जाती वो भी समझ में आता, क्योंकि उसके शेयर्स थे। चलो मैं बात करता है, नोटिस हच एसआर लिमिटेड को जाती, जो पुरानी कंपनी थी, या उसके डायरेक्टर्स को जाती तो भी समझ में आता, क्योंकि वो भी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। वेल तो यार इसका तो कोई लेना देना ही नहीं था, इसको नोटिस भेजी उसने कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट लाके दो। अब ये पागल लोग, ये फॉरेनर लोग, इनको इंडिया का जुडिशियल सिस्टम नहीं पता, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई इनको, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुमको अक्ल नहीं है, पहले तो उन्होंने केस ही नहीं सुना, ठीक है ना। पहले बोलते बॉम्बे कोर्ट, बॉम्बे मतलब पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उधर हारना पड़ेगा, उसके बाद आपको लगा बॉम्बे हाई कोर्ट मतलब किसी भी हाई कोर्ट को लगा कि आपकी केस वर्थ लिसनिंग है सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हो रही, कुछ बड़ा केस है तो सुप्रीम कोर्ट में आप आओगे, पहले डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं आओगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पहले हार गए लोग, काइंड ऑफ दे फाइल्ड अ पिटीशन एंड दे लॉस्ट इट, बिकॉज दे सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट लिसन द केस, डिड नॉट लिसन द फैक्ट्स, ठीक है ना। उन्होंने केस शुरू करने से, सुनवाई कर चालू करने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया, एंड देन दे फाइल्ड अ पिटीशन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। वोडाफोन ने पेटिशन फाइल किया इस वाली कंपनी ने, ठीक है ना। इस वाली कंपनी का पहला सवाल कि मेरे को क्यों मार रहे हो, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स ने जवाब दिया, क्योंकि
आपको सेक्शन 195 में नोटिस आया हुआ है। सेक्शन 195 क्या है, कोई बता सकता है? कुछ कुछ सेक्शंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। पेमेंट टू एनआर, इसका टीडीएस डिडक्ट होता है। आपको टीडीएस के सेक्शंस तो थोड़े बहुत पता है, थोड़ा नॉलेज आपको है, ठीक है ना। हाँ, ट्वेंटी फॉर्म 27Q, बहुत बढ़िया यश, ठीक है ना। आपको टीडीएस का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है। आपको पता है कि टीडीएस में 192 में सैलरी कवर होता है, 193 में इंटरेस्ट कवर होता है, 194 में डिविडेंड कवर होता है, 194A में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कवर्ड होता है ना, 194B या BB में अपना वो जो लॉटरी वगैरह विनिंग वगैरह होता है वो कवर्ड होता है, 194C में कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड होता है, 194D में आपके कमीशंस कवर्ड होते हैं, 194H में भी कमीशन है, डी में LIC वगैरह वालों के कमीशन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। टीडीएस में प्रोविजंस मतलब जो है टीडीएस की प्रोविजन, वो पर्टिकुलर आइटम का टीडीएस की बात करती है, लेकिन 195 जनरल डिडक्शन है। जनरल डिडक्शन का मतलब समझ में आता है? जनरल मतलब इसमें कुछ खाली इतना ही लिखा है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। विच पेमेंट, इज इट अ सैलरी, वो नहीं लिखा है। इज इट अ रेंट, वो भी नहीं लिखा है। इज इट अ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, वो भी नहीं लिखा है। इज इट अ कैपिटल असेट, वो भी नहीं। पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, एनी पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट यहाँ पे डिडक्ट होता है। तो इन्होंने क्या बोला, इनकम टैक्स क्या बोलता है, तुमने पेमेंट किया ना इधर, तुमने पेमेंट किया ना हांगकॉन्ग की कंपनी को, वो हांगकॉन्ग की कंपनी को जो पेमेंट किया उसका टीडीएस कौन तेरा बाप डिडक्ट करेगा क्या? ठीक है ना। तो ये कौन बाप, मतलब आप समझते हो ना, होल्डिंग कंपनी को हम बाप कंपनी बोलते हैं, आप मदर कंपनी भी बोल सकते हो। तो ये जो है, ये जो कंपनी है इसकी होल्डिंग कंपनी अभी ये वाली हो गई ना, मेन होल्डिंग कंपनी, इस कंपनी का सीजीपी में होल्डिंग है, सीजीपी का यहां पे होल्डिंग है, तो इसे सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी। ये तुमको समझ रहा है कि मैं क्या बता रहा है? वेल इज अ सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी, तो मेन होल्डिंग कंपनी कौन होगी? नेदरलैंड वाली वोडाफोन। तो वोडाफोन नेदरलैंड ने पेमेंट किया था, और पेमेंट करने के टाइम पे टीडीएस नहीं डिडक्ट किया था, तो वो लोग वही बोल रहे थे कि तुमने टीडीएस क्यों नहीं डिडक्ट किया, तुमने पेमेंट तो नॉन रेसिडेंट किया, हांगकॉन्ग की कंपनी को पेमेंट किया। चलो मान लेते हांगकॉन्ग की कंपनी को इंडिया का लॉ नहीं पता, तो ये कंपनी बोलती फिर नेदरलैंड में नोटिस भेजो ना। बोलता नेदरलैंड को क्यों नोटिस भेजू, हमारे पास सेक्शन 163 है। हमारे पास इंडिया में कौन सा सेक्शन है? इंडिया में एक सेक्शन है 163, ठीक है ना। इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव असेसी। मुझे बताओ, इंडिया में अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी बाहर है, नोटिस सर्व करना इजी किसके लिए हो जाता है? सब्सिडरी कंपनी को नोटिस सर्व करूं कि होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया हमारे ज्यूरिडिक्शन में थोड़ी ना क्या आता है। आप ऐसे थोड़ी ना, क्या अभी विजय माल्या हमको पता है लंदन में है, हमारी पुलिस जाके उसको अरेस्ट करके क्यों नहीं आती? अरे क्योंकि वो हमारा ज्यूरिडिक्शन नहीं है, वो दूसरा देश है, ऐसे आप किसी भी देश में नहीं घुस सकते। तो हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि अगर इंडिया में आपकी सब्सिडरी कंपनी, आपकी ब्रांच है, आपका एजेंट है, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नॉन रेसिडेंट, इसलिए वेल को नोटिस गया। तो ये पहला वाला आपको डाउट समझ में आया, वेल को क्यों नोटिस गया? बिकॉज इट्स अ सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी ऑफ अ मेन होल्डिंग कंपनी, तो जो इंडिया में कंपनी है हम उसको भेज सकते हैं। और ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है मैंने ऐसे कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया कि आई शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी। तो सेक्शन 163 में डीमिंग फिक्शन है, मतलब ये डीमिंग फिक्शन में चलता है कि हम मान लेते हैं आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, आप ब्रांच हो, आप सब्सिडरी हो, हमने मान लिया कि तुम उसके रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको अलग से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो। यहां तक क्लियर है? ये दो सेक्शन का होना आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। ये बैकएंड वाले सेक्शन है कि इंडियन कंपनी को क्यों नोटिस गया। चलो ठीक है, आगे चलता हूं। तो 195 में टीडीएस का नोटिस गया, इंडियन कंपनी को इसलिए गया क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। सिर्फ टीडीएस के प्रोविजन कैसे लग जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट गया हुआ है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि अगर पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट गया हुआ है तो वो पहले आइटम इंडिया में टैक्सेबल तो होना चाहिए, जिसका टीडीएस आप इंडिया में काटने बोल रहे हो, जिसका टीडीएस कट करने बोल रहे हो, तो वो आइटम पहले इंडिया में टैक्स होना चाहिए, उसका सोर्स इंडिया में होना चाहिए। तो इसका सोर्स इंडिया में थोड़ी ना क्या है, अगर आपको इसको ऐसे देखोगे तो इसका सोर्स इंडिया में है ही नहीं, इसका सोर्स तो फॉरेन में है।
तो बॉम्बे हाई कोर्ट को इनकम टैक्स ने क्या एक्सप्लेन किया, सर आप मुझको खाली एक ही चीज बताइए कि इसने सीजीपी आइलैंड में कंपनी खोली क्यों, या हांगकांग की कंपनी ने सीजीपी आइलैंड में कंपनी खोली ही क्यों, जब हच को डायरेक्टली इंडिया में ही बिजनेस करना था, तो डायरेक्ट इंडिया में एंटिटी क्यों नहीं ओपन की, या इंडियन एंटिटी के शेयर्स क्यों नहीं होल्ड किए? व्हाट इज द इंटेंट ऑफ हैविंग कंपनी इन सीजीपी? क्या है इस देश में, क्या है केमैन आइलैंड में, ऐसा क्या है जो इधर ही अच्छा देश, ऐसा नहीं कि लंदन में कंपनी खोली, लंदन का टैक्स का रेट इंडिया से ज्यादा है, लंदन में खोलते हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, केमैन आइलैंड क्या होगा, टैक्स हेवन है, केमैन आइलैंड टैक्स हेवन है, तो केमैन आइलैंड में कंपनी क्यों खोली, टैक्स होगा ही नहीं वहां पे, टैक्स है ही नहीं, ठीक है, और क्यों खोली, कौन से देश को चुना लगा रहे थे आप हांगकांग को चुना लगा रहे थे, आप नेदरलैंड को चुना लगा रहे थे, आप केमैन आइलैंड को चुना लगा रहे थे, आप कौन से देश को चुना लगा रहे हो, ये कंपनी बना के इंडिया को चुना लगा रहे हो, क्योंकि अगर मैं ऐसा वाला सिचुएशन बनाता, ऑल्टरनेटिव सिचुएशन जो ओरिजिनली होना चाहिए था, आप हांगकांग की कंपनी हो, आपका इंडिया में सब्सिडरी है, इंडिया में कंपनी आपने बनाया हुआ है, ये इंडिया है, और नेदरलैंड की कंपनी है जो इंडिया में आनी चाहती है, आपका बिजनेस बाय करके, आपसे बिजनेस लेके, तो आपके साथ आप इंडिया के शेयर्स सेल करते और ये नेदरलैंड की कंपनी आपको पेमेंट करती, जो असेट इंडिया में लोकेटेड है, तो ये कैपिटल गेन इंडिया में टैक्स हो जाता, सिंपल। मैंने क्या बोला समझा आपको, आप हांगकांग की कंपनी हो, आपका बिजनेस वेल एस्टैब्लिश हो चुका है इंडिया में, तो आपकी कंपनी की वर्थ है, वैल्यू है, उसके शेयर्स नेदरलैंड की कंपनी को खरीदने हैं, नेदरलैंड की कंपनी को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेना है, तो ये असेट यहाँ पे लोकेटेड है, शेयर्स इंडिया में लोकेटेड है, तो माना जाता कि इंडिया में कैपिटल गेन है, ऐसे ही होना चाहिए था ना। दिस वॉज द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन। डू यू अग्री कि ऐसे ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए? हाँ सर, ऐसे ही होना चाहिए था। तो आपने क्या चुना लगाया, आप बोलते हो नहीं नहीं हांगकांग की कंपनी है, नेदरलैंड की कंपनी को शेयर्स बेचे हैं जो केमैन आइलैंड में है, लेकिन केमैन आइलैंड के शेयर्स इंडियन कंपनी में है, इंडियन कंपनी को टच नहीं करेंगे, केमैन आइलैंड की कंपनी को नेदरलैंड की कंपनी को बेचेंगे और इंडिया को बताएंगे तुमको क्यों टैक्स देंगे, तुम्हारे तो शेयर ही नहीं बेचे गए, जबकि ये और ये डायरेक्टली सब्सिडरी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है, और एक केमैन आइलैंड की अगर बैलेंस शीट आप ओपन करोगे, उसके बैलेंस शीट में दो ही आइटम है, ओनली टू आइटम्स बैलेंस शीट में, एक शेयर कैपिटल जो हांगकांग से आया था और दूसरा इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी, बस, मतलब ना इनका लैंड एंड बिल्डिंग है, ना फर्नीचर एंड फिक्चर है, ना इनके कोई एम्प्लॉइज है, अरे मतलब आप एक दृश्यम क्रिएट कर रहे हो, आप एक खाली बताने का ट्राई कर रहे हो कि केमैन आइलैंड के शेयर्स बेचे गए, जबकि आपको पता है इन रियलिटी कौन सा शेयर बेचा गया है, रियल में असेट किधर है, डायमंड किधर है, रियल में डायमंड इंडिया में है, इंडियन शेयर्स है, तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया और इन्होंने बोला सर ये जो कंपनीज है, वोडाफोन इज जस्ट वन कंपनी सर, ऐसे इंडिया में हजारों फॉरेन कंपनीज आई है केमैन के रूट से, केमैन आइलैंड के रूट से, दुबई के रूट से, मॉरिशियस के रूट से, स्विट्जरलैंड के रूट से, ऐसे बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आती है जो टैक्स हेवंस के थ्रू आती है सर, हाँ बिजनेस यहाँ करते हैं, पैसे यहाँ कमाते हैं, सब कुछ वैल्यू यहाँ बनाते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, एंड वी हैव टू एस्टैब्लिश अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूल अगेन दिस पर्टिकुलर फाइट, दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, ये आपका जो टैक्स का जो पूरा आपने जो दृश्यम बना के रखा हुआ है, जो हमको चुना लगा रहे हो, ठीक है ना, ये हम अभी टॉलरेट नहीं करेंगे, हमको इसको टैक्स करना है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको बोला राइट है जजमेंट आपका, ठीक है ना, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कितना कैपिटल गेन हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ 58,000 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, 58,000 करोड़ का, ठीक है ना, इतना कैपिटल गेन हुआ है, इसका 20% ले लो, मतलब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, वो कुछ तो 12,500 करोड़ होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं लेता हूँ, 12,500 करोड़ का टैक्स लग रहा था, ओके, बोलते खाली टैक्स क्यों, इनके ऊपर 100% पेनाल्टी भी ठोक दो, ठीक है ना, तो 12,500 करोड़ और ऐड हो गए, तो मोटा मोटी ये कुछ 25,000 करोड़ की केस हो गई, आई एम नॉट एक्यूरेट इन द नंबर्स, नंबर से फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अप्रोक्सीमेटली इट वाज अ केस ऑफ 25,000 करोड़। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ले लो 25,000 करोड़ ले लो इनसे। अब बताओ मजा आ गया कि नहीं। हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में हार गए, अब कहाँ जाएंगे ये लोग। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में हार गए, 25,000 करोड़ भर तोड़ना क्या देंगे। लेकिन वहां जाने से पहले आपको कुछ अमाउंट टैक्स के डिपॉजिट रखनी पड़ती है, और डिपॉजिट रख के ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और फिर मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि एक एडवोकेट है हरीश साळवे, उनके बारे में हमेशा पढ़ा करो, ठीक है ना। हरीश साळवे जी, ठीक है, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, आपने इनको देखा है क्या। ये बहुत बार कभी कभी न्यूज में भी रहते हैं, इनकी शादी भी दी भी, मतलब वो सब भी है, दो तीन शादियां की है, ऐसा कुछ है पता नहीं। ये सब हमेशा मतलब अच्छी चीजों के लिए भी फेमस है और थोड़ी पर्सनल चीजों के लिए भी फेमस है। तो हरी साळवे जी के बारे में थोड़ा सा, अरे तो वो लड़की के साथ क्या चल रहा है, लड़की के साथ क्या चल रहा है, रोमांस चल रहा है। हाँ बच्चा है क्या अभी, पता नहीं क्या लड़की लोग के साथ क्या करते हैं ना, लाइक लड़की लोग के साथ। मैं इधर केस पढ़ा रहा है, मुझे पूछ रहा है लड़की के साथ क्या चल रहा है, बता तो रहा हूँ। ही इज फेमस फॉर मेनी थिंग्स, ठीक है। हरीश साळवे इज एन इंडियन सीनियर एडवोकेट हु प्रैक्टिसेस एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ही सर्वड एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी प्रोफाइल नहीं है, इट्स वेरी बिग प्रोफाइल। ही वॉज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड में। ही हैज ऑल्सो फॉट इन द केस ऑफ कुशल भूषण जाधव एट ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बहुत बड़ी केस हुई थी, उसमें भी इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया था। ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र, तो आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, आप भी महाराष्ट्र में पैदा हुए हो। ये देखो ये स्पाउसेस इसकी दो है, ठीक है ना, कैरोलीन है और ये मीनाक्षी साळवे जो भी है अभी। फिर है दो बच्चे भी है, साक्षी एंड सानिया। एजुकेशन देख लो, ऐसा क्यों लग रहा है, विकिपीडिया पे गया नहीं मैं। एजुकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वो दिखाना था, जो हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशनल है। अभी इनका परमानेंट रेसिडेंस दो देशों में, लंदन में भी है और न्यू दिल्ली में भी है, ठीक है। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, मतलब जो तुमने भी किया है बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है बीकॉम, ठीक है। और फिर एलएलबी किया है इन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि एडवोकेट है। और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स भी है, ठीक है। और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्म भूषण अवार्ड ही है। तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, आप पढ़ लो। हाँ फिर बाकी पढ़ लेना आप अपने हिसाब से, इतना मैंने बता दिया, ठीक है ना। वेरी हाईली रिस्पेक्टेड लॉयर। आई डोंट नो इनका इनकम लेवल क्या होगा, बट यू कैन इमेजिन कि नॉर्मल तो नहीं होगा। हाँ देखते हैं हम लोग फीस चार्ज, देखते हैं गूगल बता रहा है क्या। कुछ तो गॉसिप तो हुआ ही रहेगा। वोडाफोन के बहुत सारे केसेस चालू है, तो ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये 22,000 करोड़ का अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग नंबर मिलेगा। सिक्सटी करोड़ वगैरह ऐसा अलग अलग नंबर आ रहा है मार्केट में। कोई बोलता है 400 करोड़ लिया, 4% लिया। ये देखो ना वोडाफोन इंडिया विन, क्या पता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर, इतना तो पक्का हो गया। कोई बोलता है 400 करोड़ लिया, कोई बोलता है 100 करोड़ लिया, चलो अपन लोग मान लेते हैं 100 करोड़ ले लिया, ठीक है ना। 400 करोड़ लिया होने दो, 500 करोड़ लिया होने दो। कोई बोलता है ऑफिशियल इनकम अलग था, अनऑफिशियल अलग था। देर आर सो मेनी गॉसिप्स अराउंड इट।
ऑब्वियसली आई कांट से एवरीथिंग ऑन द रिकॉर्डेड लाइन, बट देर आर गॉसिप, गॉसिप गॉसिप होती है, गॉसिप करने के टाइम पे फैक्ट्स को इग्नोर किया जाता है, तो हम भी गॉसिप ही कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 करोड़ ले लिया था। आपको नहीं लग रहा 100 करोड़ को ज्यादा बड़ी अमाउंट हो गई इनकम टैक्स के 4-5 प्रोविजंस की फाइट करने के लिए? आप लोग इनकम टैक्स के कम से कम 800 सेक्शंस पढ़ने वाले हो, 750 780 के आसपास के सेक्शंस आप लोग पढ़ने वाले हो। हाँ, अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, आप 800 सेक्शंस आप पढ़ने वाले हो। हाँ, और इन्होंने 4-5 सेक्शन सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया और वोडाफोन को जिताया। उसमें की पहली बात उन्होंने की, ठीक है ना, उसमें से सबसे पहली बात उन्होंने की कि ये आपने क्या सोच के टैक्स किया, ये चीज आपने क्या सोच के टैक्स किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हमने सेक्शन 9(1) सोच के टैक्स किया। कौन सा सेक्शन लगाया हमने? सेक्शन 9(1) लगाया हमने यहाँ पे, इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो जब उन्होंने ये सेक्शन की फाइट की थी, 2010 की बात कर रहा हूं, जब मैं सीए फाइनल में था, एज ए स्टूडेंट था, तो उन्होंने बोला सेक्शन 9(1) में हमने केस फाइल की, इंडिया ने बोला कि इसे इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, यू आर शोइंग इट दैट इट इज अक्रूड इन केमैन आइलैंड और हांगकॉन्ग और नेदरलैंड, लेकिन इन सारे देशों में अक्रूड नहीं हुआ है, एक्चुअली इट इज अक्रूड इन इंडिया। तो उसका लॉजिक उन्होंने बोला कि क्यों इट इज अक्रूड इन इंडिया, गवर्नमेंट को पूछा गया कि क्या लगता है आपको क्यों इट इज अक्रूड इन इंडिया, तो उन्होंने बोला इस कंपनी का जो भी वैल्यू है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो भी वैल्यू है, इट दिस वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम इंडिया। और समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं, 9(1) का लैंग्वेज आप समझो, सीजीपी का जो भी वैल्यू है, जो भी वर्थ है, वो अपने अपने से नहीं है, वो तो गोल्ड रिंग है, उसके ऊपर जो डायमंड लगा हुआ है वो इंडिया में है। तो ये जो रिंग इतनी महंगी हो चुकी है, इसके शेयर्स की जो प्राइस है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सीजीपी के, कर सीजीपी का नाम करके केमैन आइलैंड में कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत अच्छी उसकी लॉयल्टी है, बहुत अच्छा कस्टमर बेस है, बहुत अच्छा रेवेन्यू बेस है, सब कुछ भी नहीं है। दैट कंपनी हैज ऑलमोस्ट नथिंग, इट्स अ शेल कंपनी, ठीक है ना, दैट कंपनी हैज डिराइव, या उसके शेयर्स जो है दैट हैज डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इंडिया, और क्योंकि ये वैल्यू इंडिया में है, सेक्शन 9(1) का एप्लीकेशन यहाँ पे आता है, वी विल डिक्लेयर इट एज इनकम डिराइव फ्रॉम इंडिया। लेकिन तभी हमारे सेक्शन 9(1) में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड नहीं था जो अभी है। आपको पता है जिन्होंने सेक्शन 9(1) मेरे साथ किया है उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में करेंगे, ठीक है ना, तभी सेक्शन 9(1) में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का वर्ड नहीं था। तो जब ये उन्होंने बोला यस इट इज इनकम डिराइव फ्रॉम इंडिया, बट इट इज इनडायरेक्टली डिराइव फ्रॉम इंडिया, नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली होता तो डायरेक्ट ऐसा होता, वो है सेक्शन में कवर्ड, लेकिन इनडायरेक्टली किया गया है, और क्योंकि सेक्शन 9(1) में इनडायरेक्ट इनकम लिखा नहीं है, यहाँ पे खाली इट प्रिज्यूम कि ये खाली डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट वर्ड यहाँ पे नहीं है, इनडायरेक्ट वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली टैक्स नहीं कर सकते। अगर किसी ने अच्छे से टैक्स प्लानिंग की है तो आप जाके उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। यस इट इज डिराइव फ्रॉम इंडिया, बट इट इज इनडायरेक्टली डिराइविंग फ्रॉम इंडिया। ये तो वही बात हो गई जो महाभारत में थी, ठीक है ना, कि एकलव्य ने विद्या किससे ली? तो द्रोणाचार्य से ली, लेकिन द्रोणाचार्य ने कभी उसको सिखाया नहीं था, तो एकलव्य ने उसकी मूर्ति बना के उससे दिव्या ली थी, तो डायरेक्टली नहीं ली थी, इनडायरेक्टली ली थी, और फिर भी द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। तो इनसे भी हम वही बहुत बात कर रहे हैं कि देखो डायरेक्टली तो नहीं कमाया ना इंडिया से, इनडायरेक्टली तो कमाया, इनडायरेक्टली कमाया तो हमको टैक्स लगना चाहिए। उन्होंने पहला प्रूव किया यहाँ पे कि सेक्शन 9(1) जो है एक बहुत शार्प तलवार है, ठीक है ना, आप ऐसे किसी को जाके काट नहीं सकते मार्केट में। ये डीमिंग फिक्शन एक पर्टिकुलर पर्पस से बनता है, एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कैन नॉट बी स्ट्रेच बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन द सेक्शन। अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट था, गवर्नमेंट का इंटेंट था कि इसको टैक्स करना है, इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को भी टैक्स करना है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू इंक्लूड द वर्ड इनडायरेक्ट इन द सेक्शन। अभी सेक्शन में नहीं है तो भैया ये टैक्सेबल नहीं हो सकता। तो पहला उन्होंने वो बोला, दूसरा उन्होंने बोला सेक्शन 195 जो आप लगा रहे हो हमें, ठीक है ना, उन्होंने यहां पे एक्सप्लेन करके बताया सेक्शन 195 का अंडरस्टैंडिंग हमारा ऐसा आता है, जब आप बोलते हो पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, जब आप क्या बोलते हो पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, तो प्रेज्यूम किया जाता है कि जो पे करने वाला बंदा है वो रेसिडेंट है। रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट जाएगा तो रेसिडेंट वाला बंदा टीडीएस डिडक्ट करेगा, जबकि इस पर्टिकुलर केस में पेमेंट टू तो नॉन रेसिडेंट हुआ है लेकिन जो पेयर है वो भी नॉन रेसिडेंट है।
द पेमेंट इज नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, आप समझ रहे हो क्या? हरी सालवे जी बता रहे, जो ओरिजिनल सेक्शन है जिसमें केस गया हुआ है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट उसका हेडिंग है, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया से पेमेंट जाता है या रेसिडेंट से पेमेंट नॉन रेसिडेंट को जाता है। यहां पे पेमेंट रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट नहीं गया है, नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट गया हुआ है, तो 195 भी एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा उन्होंने वहां पे बताया। तीसरा उन्होंने पूछा यहां पे कि सेक्शन 2 क्लॉज 14 जो है, ठीक है ना, कैपिटल असेट, तो मुझे बताओ कैपिटल असेट की डेफिनेशन जो है, कैपिटल असेट की जो डेफिनेशन है, वहां पे ऐसा कौन सा असेट है जो इंडियन कंपनी ने बेचा है? इस कंपनी ने ऐसा कौन सा असेट है जो बेचा है? व्हाट टाइप ऑफ असेट दिस इंडियन कंपनी हैज सोल्ड? शेयर्स नहीं बेचा है, शेयर्स तो केमैन आइलैंड के थे, इंडिया ने कुछ नहीं बेचा है। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, शेयर्स तो भले फॉरेन कंपनी के रहेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट बेचा है। आप समझ रहे हो क्या? इंटरेस्ट मतलब वो बैंक के लोन के ऊपर का इंटरेस्ट नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, वो वाला इंटरेस्ट, ये समझ रहे हो आपको? इंटरेस्ट, लोग इस इंडियन कंपनी में इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्ट बेचा है। तो उन्होंने बोला कंपनी में इंटरेस्टेड होना ये कैपिटल असेट भी है क्या? किसी में इंटरेस्टेड होना कैपिटल असेट है क्या? जैसे राम, ठीक है ना, राम मतलब मैं राम नहीं, राम एक लड़की में इंटरेस्टेड है, श्याम आके बोलता है मैं तुझको 10 लाख रुपया देता हूं, तो इस लड़की में जो इंटरेस्ट है वो मुझको ट्रांसफर कर, तो ये इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का, इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर को ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बोलोगे क्या आप? तो ये कैपिटल असेट कहां से हो गया? कैपिटल असेट मतलब शेयर्स होना चाहिए था, डिबेंचर होना चाहिए था, प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, तो ये प्रॉपर्टी कहाँ है? तो उन्होंने वो बोला कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना इज नॉट इक्विवेलेंट टू कैपिटल असेट होना, एंड सिमिलरली उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना ये ट्रांसफर भी नहीं है, क्योंकि वो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो उसी इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना ये ट्रांसफर भी नहीं है। मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ना ही ये कैपिटल असेट है, ना ही जो हुआ है वो ट्रांसफर है, जो हुआ है अगर आप मानते भी हो कि ये कैपिटल असेट है या इंटरेस्ट है और टैक्सेबल होना भी है, तो ये इनडायरेक्टली हुआ है इंडिया में से, इंडिया ने डायरेक्ट, इंडिया का इसके ऊपर पावर नहीं है। और ये पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट की आप जो बात कर रहे हो, वो नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट ने इतने सारे पॉइंट्स कर दिए, और हरीश साळवे ने इनके जो 22,000 करोड़ है, 24,000 करोड़ है, 25,000 करोड़ है बचाए, और अपने 400-500 करोड़ की फी उसमें से ले ली होगी। ये हुआ 2011 में, ठीक है ना, 2011 के आसपास ये सब चीजें हुई, इतने फाइनल में ही था। ये केस फाइल होने से लेके ये केस जीतने तक मैं सीए फाइनल की ही पढ़ाई कर रहा था, ठीक है ना, और मैं हर साल पढ़ता था कि अच्छा अभी ये हो गया, अभी इस केस में ये हो गया, अभी इस केस में वो हो गया। हमारे लिए बहुत ही हॉट टॉपिक था उस टाइम पे, ठीक है ना। अब जिस ईयर में ये जीते हैं, उस ईयर में जो फिनांस मिनिस्टर थे, ठीक है ना, हमारे, वो है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम अंकल को जानते हो आप? चलो उनका भी चेहरा दिखा देता हूं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते उनको। ही इज नोन एज वन ऑफ द क्रेजियस्ट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इनका इंटरनेशनली नाम बहुत खराब है। ये है पी चिदम्बरम अंकल, इनकी भी प्रोफाइल देखोगे तो बहुत तगड़ी प्रोफाइल है। हाँ ये देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा में अभी भी बैठे ही है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। जब इन्होंने अलग अलग टाइम पे ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना, तो इन्होंने मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप में काम किया हुआ है, और जब ये चले गए थे तो जब ये फिनांस मिनिस्टर थे, ठीक है ना, इनके पहले जो फिनांस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है ना, इनके बाद जो आए वो प्रणब मुखर्जी थे, उसके बाद जो आए फिर से ये आए, ठीक है ना, उसके बाद अरुण जेटली सर आए। मतलब अरुण जेटली सर 2014 में आए, 2014 के पहले प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी के पहले
मनमोहन सिंह, मतलब इनके पहले मनमोहन सिंह थे, और बीच वाले पीरियड में ये दो तीन बार क्या बन चुके हैं, फिनांस मिनिस्टर बन चुके हैं। 2012 में ये फिनांस मिनिस्टर थे, आप यहाँ पे देख सकते हो, इन ऑफिस 31 जुलाई से लेके 2014 तक। ये जो पीरियड है 31 जुलाई से लेके 2014 तक का पीरियड, उसमें इन्होंने एक अमेंडमेंट लाई, ठीक है ना, इसमें इन्होंने एक अमेंडमेंट लाई। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी हेड हो चुके हैं, बहुत कुछ है, इनकी भी प्रोफाइल मतलब मजबूत है, ठीक है। ऑब्वियसली कांग्रेस के पार्टी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से बीएससी किया है, एलएलबी किया है, हार्वर्ड से एमबीए किया है, एमए किया है, एंड अगेन इज अ सीनियर एडवोकेट इन द हाईकोर्ट, तो इनको भी लॉ समझ में आता है। इन्होंने अमेंडमेंट किया, इन्होंने बोला जी ये वर्ल्ड जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, तो उन्होंने बोला हम क्लैरिफाई कर देते हैं। तो इन्होंने अमेंडमेंट लाई फिनांस एक्ट 2012 से, 2012 में इन्होंने अमेंडमेंट लाई शायद, और वो सारी की सारी अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव लाई। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहां से लाई, तो 1/4/1962 से लाई, एक दो साल का रेट्रोस्पेक्शन नहीं, जहां इनकम टैक्स एक्ट बनाए वहां से लाई। उन्होंने बोला लोगों को अच्छे से समझा नहीं, ये जो सेक्शन 9(1) है इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड नहीं है, नहीं है ऐसा लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसे मान लो, क्योंकि वही लेजिस्लेटिव इंटेंट था, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब इस वर्ड पे जो हारे थे हम वो वर्ड वहां पे इंसर्ट कर दिया। फिर इन्होंने बोला लोगों को सेक्शन 195 भी नहीं समझा, लोग इतने बेवकूफ लोग हैं, हमने सेक्शन का नाम क्लियरली लिखा है पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, हमने आगे नहीं लिखा है बाय रेसिडेंट, लिखा है क्या ऐसे, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट लिखा है, बाय रेसिडेंट तो लिखा ही नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव इंटेंट ये था कि ओनली बाय रेसिडेंट होना चाहिए तो लोग क्लियर करते, हमारा ऐसा इंटेंट था ही नहीं, हमारा इंटेंट था पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, कौन पार्टी पे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट कैन बी रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट ऑल्सो एंड इट कैन बी नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, ये दोनों हो सकता है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं? किसने बोला इंटरेस्ट इन द एंटिटी कैपिटल असेट नहीं होता, क्योंकि कैपिटल असेट की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा गया है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ओहो, कैपिटल असेट के डेफिनेशन में हमने क्या लिख के रखा हुआ है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इनटेंजिबल, इट कैन बी मूवेबल, इट कैन बी इमूवेबल, इट कैन बी कनेक्टेड टू बिजनेस और इट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू बिजनेस, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट इन एन एंटिटी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, राइट इन द राइट टू एक्सरसाइज बिजनेस, राइट टू टेक डिसीजंस, राइट टू कंट्रोल एंटिटी, राइट एक असेट होता है राइट, और शेयर होल्डर बनने के बाद आपके पास राइट्स आते हैं, तो एक राइट भी असेट होता है, इंटरेस्ट इन द एंटिटी भी असेट होता है, ऐसा इन्होंने क्लैरिफाई किया। तो इन्होंने ये वाला डेफिनेशन भी अमेंड किया, और राइट्स को सेल करना, इंटरेस्ट को सेल करना ट्रांसफर भी होता है, क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन मींस अ डेफिनेशन नहीं है, ट्रांसफर की डेफिनेशन इंक्लूड्स की डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है वो, ट्रांसफर इंक्लूड से स्टार्ट होता है, मतलब जितना लिखा है उतना तो है ही, जो नहीं लिखा है वो भी है, ऐसा माना गया। तो इन्होंने ये सारे प्रोविजन अमेंड किए, और उसके बाद अरुण जेटली सर ने इसको न्यूट्रलाइज भी किया, पी चिदम्बरम अंकल ने मतलब आप समझो बजा दी पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि वोडाफोन एक एकलौता केस नहीं है जो ये कांड करके बैठा है, ऐसे हजारों कंपनीज है इंडिया में जो ऐसे एंट्री की है, सारे कंपनीज डर गए कि इंडिया कर क्या रहा है, प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाता तभी भी चलता, प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाता तो इसके आगे लोग झोल नहीं करते। ये बता रहा है कि आपने 1970 में झोल किया होगा, 1980 में झोल किया होगा, 1990 में झोल किया होगा, कभी भी झोल किया होगा, हमने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया है, अभी आपका झोल ओवरराइड हो चुका है, आपने प्लानिंग की बहुत अच्छा प्लानिंग किया, टालिया टालिया, वेरी नाइस, वेल डन, वेल प्लेड, अभी इंडिया खेलेगा, ठीक है ना, ऐसा ही इन्होंने बात किया। अरुण जेटली सर ने 2014 के बाद इसको न्यूट्रलाइज किया, थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया, क्योंकि लोग ज्यादा ही नाराज हो गए इंटरनेशनल लेवल पे, देखो इंडिया के फेवर में जजमेंट आया है, इंडिया के फेवर में कुछ किया तो इंटरनेशनल लोगों के अगेंस्ट किया, आप समझिए इंडिया अगर जीता है तो पाकिस्तान हारता है, ठीक है ना, तो ये जो हमने ये
ये जो अमेंडमेंट लाके रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट पे फॉरेन वाले लोग नाराज क्यों हो गए, वो बोलते हैं कि आपने कुछ प्रोविजन हमारे ऊपर लगाए और प्रोविजन लगाने के बाद हम आपके देश के जो टॉप कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके जीत कर आए। वी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड वी वन इन अ सुप्रीम कोर्ट। और फिर आपने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया, तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का मतलब ही क्या था? तो हमने बताया हमारे देश में ऐसे ही होता है, गवर्नमेंट ऑलवेज विन्स। या तो सुप्रीम कोर्ट में जीत जाती गवर्नमेंट, आप वहीं पे हार जाते तो मैटर ही सॉल्व हो जाता। आप सुप्रीम कोर्ट में जीत गए तो लॉ बनाने का पावर भी तो हमारे पास है, तो हमने लॉ बना दिया। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑलवेज विन्स, याद रखो। हमारे देश में ऐसे ही होता है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं करना है हमारे देश में बिजनेस, बैकपैक करो और निकलो। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ हार्श फाइनेंस मिनिस्टर। अरुण जेटली सर वैसे नहीं थे, अरुण जेटली सर सॉफ्ट थे। तो जब उन्होंने फॉरेन गवर्नमेंट को बोला, फॉरेन के बिजनेसेस को बोला कि हाथ जोड़ के बोला कि आइए इंडिया में, इंडिया को आपको जरूरत है, इंडिया की आपकी जरूरत है और आपको इंडिया की जरूरत है, आप आइए हमारे इंडिया में बिजनेस कीजिए, तो बोलते आपके देश में पी चिदम्बरम भी तो है, कैसे आएंगे आपके देश में? आप हमें आज कोई ना कोई बेनिफिट दिखा के इंडिया में ले तो लोगे, बाद में हम कुछ प्लानिंग करके आपके यहाँ पे आएंगे, बिकॉज टैक्स भरना तो इच्छा नहीं है। टैक्स भरने की इच्छा क्यों नहीं? क्योंकि फॉरेनर का टैक्स का रेट 40% के ऊपर चला जाता है, तो वेरी हाई। तो दे विल डू द टैक्स प्लानिंग। इन्होंने, अरुण जेटली सर ने बोला ठीक है, कुछ हद तक का टैक्स प्लानिंग मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, लेकिन दैट शुड नॉट बिकम टैक्स अब्यूज। ये टैक्स अब्यूज है, ये हमारी इज्जत लूटी गई है। कुछ जिन लोगों को पता नहीं था कि ऐसे प्लानिंग होता है, उन लोगों को भी पता चल गया कि ऐसे प्लानिंग होता है, एंड इट वुड हैव बिकम ओपन एंडेड रूट टू एंटर इन टू इंडिया। सारे लोग केमैन आइलैंड में कंपनी खोलना चालू कर देते, तो ये रूट बंद करना जरूरी था। तो आई एम सॉरी टू हर्ट योर इमोशंस, लेकिन हमें कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, काट नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा आपको कंट्रोल तो करेंगे। तो अब भी अच्छा खासा अमेंडमेंट लॉ में होते गया, इसकी शुरुआत 2012 से हुई है, आपको शुरुआत मैंने बताई। इतना सब कुछ बता के मुझे आपसे खाली एक ही चीज पूछनी थी, जो भी मैंने बड़बड़ किया अभी, पता नहीं एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है क्या नहीं है। डू यू थिंक इट इज अ वेरी कॉमन डिस्कशन दैट पीपल आर हैविंग एवरीडे, ओहो केमैन आइलैंड में कंपनी खोलेंगे, इंडिया में एंट्री करेंगे, वो सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी बनाएंगे। दैट्स वाई आई कॉल्ड इट एज अ चैप्टर ऑफ एक्सेप्शन। और ये चैप्टर जिनको समझा है, दे हैव मेड फॉर्च्यून आउट ऑफ इट, ठीक है ना, करोड़पति बन गए वो लोग। लाइव एग्जाम्पल है हरीश साळवे जी, एक चैप्टर ही तो समझना था कि कैपिटल ये नाचता कैसे है। तो आप ये मत समझिए कि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो खाली एग्जाम में 8 मार्क ले आता है इसलिए पढ़ते हो आप। अब ऐसा एटीट्यूड रख के अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे तो मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन में छोड़ दो, 8-10 मार्क ले इंसान को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, दिमाग खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो ये चैप्टर डिफिकल्ट क्यों है सर? डिफिकल्ट है ही नहीं। मैं आप लोगों को अलग अलग सवाल पूछता हूं, चलो आप मुझे बताओ ये कितना आसान है, मैं आपको बताता हूं। एक हाउस प्रॉपर्टी है, किसी ने सेल कर दी, ठीक है ना, तो कैपिटल एसेट आपका हाउस प्रॉपर्टी, किसी ने सेल कर दी 500 लाख के लिए सेल किया है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मैं लाख्स में लिखता हूं 500 लाख लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। भैया घर बेचने के लिए खर्चा तो करना पड़ा होगा, मान लेता हूं 5 लाख का खर्चा किया था, 1% खर्चा किया 5 लाख। इसके बाद आता है नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन आ गया 495 लाख, ठीक है साहब, आपने ये जो घर था वो बहुत साल पहले खरीदा था 50 लाख में, कितने लाख में खरीदा था, 50 लाख में, मान लेते हैं ये घर आपने खरीदा था 2001-2002 में 50 लाख में, 50 लाख ज्यादा हो गया था, 50 लाख ज्यादा ज्यादा हो गया, चलो एक काम करता हूँ 20 लाख कर लेता हूँ, 20 लाख भी ज्यादा हो, 10 लाख कर लेता हूँ, 10 लाख में आपने खरीदा था,
ठीक है ना, 10 लाख में आपने ये घर खरीदा था। आपको तो पता है इसको इंडेक्सेशन करना पड़ता है, आप तो बड़े महान लोग हो, मैं तो लॉन्ग टर्म वाला पढ़ा रहा हूं। बताइए, इंडेक्स करने के लिए आपको इंडेक्सेशन का टेबल ओपन करना पड़ेगा। व्हाट इज द टेबल ऑफ इंडेक्सेशन नाउ? ₹337 लगा ना ये लोगों ने करंट ईयर का। ₹337 है ना, ये देखो ये इंडेक्सेशन है। 2001 में 100 का था, 20, हाँ 348 है सॉरी, ठीक है ना, 331 लास्ट ईयर का था, अब ये 348 हो गया, 20 to 23 इस साल का 348 है, तो 348 है, तो कैपिटल गेन कैसे निकालोगे आप बताइए? वेरी सिंपल, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम इन्फ्लेशन लगाते हैं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाता है। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 100 कितना होगा ये? ₹34.8 लाख, ठीक है, ये माइनस कर दीजिए आप यहां से, ₹460.2 लाख, ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बस इतना ही है। इसका टैक्स रेट कितना है अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो? टैक्स रेट साहब इसका है, लॉन्ग टर्म था तो टैक्स रेट इज 20% अंडर सेक्शन 112, और आपको पता है इसका हाईएस्ट सरचार्ज, सरचार्ज भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका हाईएस्ट सरचार्ज कितना होता है? जिसका सरचार्ज 15% से, क्योंकि ये स्पेशल रेट है, इसका सरचार्ज 15% से नहीं होता, और फिर एजुकेशन सेस तो लगेगा ही, जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लग जाएगा, बस ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो और आसान। शॉर्ट टर्म कैपिटल, आपने ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी ठीक है ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, आपने ज्वेलरी 100 लाख में बेची, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, मान लेता हूं कुछ भी नहीं था, तो नेट कंसिडरेशन 100 लाख, ठीक है ना, ये ज्वेलरी आपने 40 लाख में खरीदी थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट टर्म होता है तो सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 लाख, तो भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 60 लाख। सर 60 लाख का टैक्स कैसे निकालेंगे? 60 लाख का टैक्स निकालेंगे नॉर्मल रेट्स पे, क्योंकि ये स्पेशल नहीं है, नॉर्मल रेट्स। तो सर इंडिविजुअल होगा तो क्या होगा? इंडिविजुअल होगा तो स्लैब लग जाएगा। स्लैब में सर दो वैरायटी आती है, 115 BAC भी लग सकता है डिफॉल्ट रिजिम, या नॉर्मल रिजिम भी लग सकता है, जो ऑप्शनल रिजिम हम बोलते हैं, ठीक है ना, ऑप्शनल रिजिम बोलो या नॉर्मल प्रोविजन बोलो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म होता तो यही पार्टनरशिप फर्म होता, तो फर्म होता LLP होता तो साहब फर्म या LLP होता तो 30% लग जाता। कंपनी होता तो देखना पड़ेगा कि कंपनी के इफेक्टिव रेट कौन से आ रहे हैं, 25% वाली भी कंपनी है, 22% वाली भी कंपनी है, 15% वाली भी कंपनी है, 30% वाली भी कंपनी है, तो देखना पड़ता। फॉरेन कंपनी होता तो 40% होता, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्लैब अलग है, तो स्लैब रेट पे जाता है। इजी है, नॉर्मल वाला जो तुम्हारे ऑफिस में आता है क्लाइंट, उसका तो कैपिटल गेन निकालना बहुत ईजी है, वो आपको पहले से आता है, मैं अज्यूम करता हूं, मैं सिखाएगा लेकिन मैं आपको अज्यूम करता हूं कि आता है। हम इस चैप्टर में टाइम इसलिए नहीं लगाने वाले कि हमको नॉर्मल कैपिटल गेन निकालने आ जाए, वो तो हम करने ही वाले हैं, ऑब्वियसली 10-12 क्वेश्चन हम करेंगे नॉर्मल कैपिटल गेन का, लेकिन ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड या डिटेल्ड या लेंथ इसकी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शंस, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शंस साहब, इसके एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है। आपको मैं जैसे ही रूल पढ़ाऊंगा, कोई भी एक रूल पढ़ाऊंगा, रूल मतलब कोई भी एक प्रोविजन पढ़ाऊंगा, बोलूंगा कि ये रूल हो गया, तो रूल सीखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे एक एग्जांपल जो हमारा अभी चालू है, कैपिटल असेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, बताओ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी? कैपिटल असेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इजी, अरे ये रूल है,
ये ज्यादा डिफिकल्ट है क्या डेफिनेशन? कैपिटल असेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सर, विच काइंड? एनी काइंड, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सर। हाँ सब कुछ आएगा इसमें, वही तो मैं आपको सिखा रहा था। उन्होंने ओरिजिनली क्या बोला था? ओरिजिनली यश ने बहुत जो बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। ओरिजिनली उन्होंने बोला था सारे कैपिटल रिसिट टैक्सेबल नहीं है, सारे कैपिटल रिसिट टैक्सेबल नहीं है, सिलेक्टेड कैपिटल रिसिट टैक्सेबल है। तो सिलेक्टेड कैपिटल रिसिट मतलब उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, मतलब कैपिटल असेट का डेफिनेशन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। कल अगर तनिष्क ने अगर ज्वेलरी बेचा, तनिष्क, तनिष्क जो टाटा एंटरप्राइज है, अगर उसने ज्वेलरी सेल किया तो कैपिटल गेन लगेगा कि पीजीबीपी लगेगा? बोलो, पीजीबीपी लगना चाहिए क्योंकि उनका बिजनेस है। लेकिन क्या वो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बेचा उन्होंने? हाँ उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, लेकिन क्या उनके लिए एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी भी है? हाँ, अरे एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो गई ना, वो स्टॉक भी तो प्रॉपर्टी होती है। इन्होंने कौन सा बोला कि स्टॉक इसमें से एक्सक्लूड किया है? लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि स्टॉक भी एक प्रॉपर्टी है, स्टॉक भी एक प्रॉपर्टी है, तो यार इधर थोड़ी ना क्या आएगा। लेकिन डेफिनेशन में तो लिखा है ना उन्होंने एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो कैपिटल गेन का चार्ज भी आ सकता था उसके ऊपर। लेकिन फिर गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ, यार नहीं 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 एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, इसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। एक्सक्लूड मतलब एक्सेप्शन हो गया ना, लॉ आसान है, एक्सक्लूड मतलब एक्सेप्शंस हो गया। अब आपको एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। एक्सेप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वही है, एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को ये बोलता है कि सारी प्रॉपर्टीज को टैक्स करेंगे, एसआईटी को नहीं करेंगे। क्यों एसआईटी को नहीं करेंगे? क्योंकि एसआईटी के लिए पीजीबीपी है ना पहले से ही, पीजीबीपी करके पूरा चैप्टर बनाया गया है, इसके पहले वाला चैप्टर है वो, तो वहां टैक्स करो, यहां क्यों टैक्स करोगे? हाँ? तो जैसे एक्सक्लूड है ना, वैसे इंक्लूड्स भी करके एक है, जैसे एक्सक्लूड है वैसे डेफिनेशन में एक इंक्लूड्स करके भी पार्ट है। मुझे आपको पूछना है म्यूचुअल फंड के लिए, इंडिया में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या आप उसको इन्वेस्टिंग कंपनी भी बोलते हो, उनके लिए शेयर्स डिबेंचर्स क्या है? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज डिबेंचर जो भी रहते हैं वो क्या है? कैपिटल असेट है कि एसआईटी है? तो म्यूचुअल फंड जब ट्रेडिंग करती होंगी, इंडिया की म्यूचुअल फंड जब ट्रेडिंग करती होगी, तो आप क्या निकालते रहोगे उसका? कैपिटल गेन की पीजीबीपी। ये एसआईटी अगर हो गया तो आप म्यूचुअल फंड का पीजीबीपी कंप्यूट करते रहोगे, क्योंकि उनका मेन प्रोडक्ट तो शेयर्स है। वैसे जो एफआईआई है, एफआईआई बोले तो कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब फॉरेन के म्यूचुअल फंड, अपनी भाषा में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब वहां के लोगों ने जो पैसा जमा करके एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं, वो म्यूचुअल फंड इंडिया में पैसे लगाता है, उसको एफआईआई बोला जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनके लिए भी शेयर्स क्या होना चाहिए? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स क्या होना चाहिए? एसआईटी होना चाहिए। और एसआईटी अगर सेल करेंगे तो पीजीबीपी होना चाहिए, और एफआईआई को अगर पीजीबीपी होगा तो नॉर्मल इनकम होना चाहिए। और फॉरेन कंपनी का नॉर्मल इनकम क्या रेट पे टैक्स होता है? फॉरेन कंपनी का नॉर्मल इनकम 40% पे टैक्स होता है, और एफआईआई आपको पता है 1-2 करोड़ तो आपकी इंडिया में लेकर नहीं आती। व्हेनेवर एफआईआई कम्स टू इंडिया, दे डोंट ब्रिंग 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, दे ब्रिंग 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ऐसा अमाउंट लेकर आते हैं। मतलब उनको सरचार्ज भी लगेगा। अरे आप सरचार्ज भी लगाओगे ना उसको, फॉरेन कंपनी का सरचार्ज जो होता है वो अप टू 1 करोड़ नील होता है, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 2% होता है, अबाउट 10 करोड़ 5% होता है, मतलब 5% का सरचार्ज लगेगा। नहीं, इसको 5% का लगेगा, फॉरेन कंपनी है, 5% का सरचार्ज लगाओगे, उसके बाद 4% का सेस लगाओगे, मतलब आप लूट ही नहीं लोगे क्या उसको? कौन आएगा आपके देश में? इतना बड़ा अगर टैक्स का रेट लगाओगे तो कौन आएगा आपके देश में? मैं आपको पूछना चाहता हूं,
आर यू इंटरेस्टेड? आप अगर FII होते तो आर यू इंटरेस्टेड? आप 1000 करोड़ कमाओगे, उसमें का 45% के आसपास का तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रख के जाने वाले हो। विल यू बी इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन इंडिया? एक तो पहले से रिस्की बिजनेस है वो ट्रेडिंग। तो इन्होंने FII ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि हमारा कैलकुलेशन PGBP में नहीं होना चाहिए, आवर कैलकुलेशन शुड नॉट हैपन इन PGBP। इंडिया में हमको PGBP कैपिटल टैक्स नहीं लगना चाहिए, हमको कैपिटल गेन टैक्स लगना चाहिए। बताओ FII को कैपिटल गेन टैक्स में क्यों इंटरेस्ट है? FII को कैपिटल गेन में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि अगर कैपिटल गेन मतलब शेयर मार्केट में अगर नहीं, 20% मैक्स क्यों बता रहे? 20% तो जाना भी नहीं है। ये लोग इंडिया में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड करते रहेंगे ना, मतलब STT तो भरते ही रहेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स तो भरते ही रहेंगे। अब इसका मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर इनको होता है तो कौन सा सेक्शन लगता है? 111A। अरे ये तो बता के हो गया ना मेरा, अभी 111A। हाँ 111A लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा? 15%। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ तो हमने ये सब बेसिक चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये 15% कैसे, ये कैसे, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 112 लगेगा, 112A लगेगा, और वहां पे 10% का ही टैक्स लगेगा, वो भी आफ्टर 1 लाख। कहां 40% और कहां 10%? हेलो, ये तो लॉन्ग टर्म ही गेन कमाते रहेंगे ना इंडिया में यूजुअली, और शॉर्ट टर्म भी कमाया तो 10 का 15 इज ओके, 15% टैक्स इज ओके। एज FII आप सोच के देखो, 15% इज फाइन, हायर साइड पे 15 लगने वाला है आपको, लोअर तो 10 ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा देश आपसे 15% टैक्स मांग रहा है, आपने 1000 करोड़ कमाए, हम आपसे 150 करोड़ मांग रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्स। तो FII ने गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट किया? बोला कि भैया हमारी जो सिक्योरिटीज है, हाँ डोमेस्टिक से भी कम है, वही तो बता रहा हूं, टैक्स हेवन ही है ना, 10% इधर टैक्स हेवन रेट ना, 15% भी टैक्स हेवन का रेट है ना, 10% 15% इधर टैक्स हेवन का रेट, मतलब हमने FII के लिए इंडियन मार्केट टैक्स हेवन बना दिया। क्यों जा रहे हो मॉरिशियस में, क्यों जा रहे हो सिंगापुर में, आओ तो इंडिया में, हमने टैक्स हेवन बना दिया। तो हमने कैपिटल गेन, कैपिटल असेट का डेफिनेशन चेंज किया, हमने बोला इट इंक्लूड्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII। तो ये उसका लॉजिक मैंने बता दिया, हम लोग आगे जाके बात करेंगे, हम एक्सक्लूड्स की बात कर रहे थे। और बताओ दूसरा एक असेट इंपॉर्टेंट है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये भी आपने सुना हुआ है ना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं, अर्बन में प्राइस बहुत ज्यादा होती है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेता, गांव की खेती खेती बाड़ी की जो जमीन होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लेता। फिर कुछ बॉन्ड्स है, स्पेशल बेयरर बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल डिपॉजिट बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, ऐसे कुछ बॉन्ड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अलग अलग टाइम पे डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था, जब भी मार्केट में से करेंसी सर्कुलेशन को कम करना था तो गवर्नमेंट ने कुछ बॉन्ड इश्यू किए थे और वो बॉन्ड को टैक्स फ्री रखना पड़ता था। जैसे अभी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है, वॉट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, यू नो दिस स्कीम राइट? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में हल्का सा, अगर आपके घर में ज्वेलरी पड़ी हुई है, सोने के बिस्किट पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो डेड इन्वेस्टमेंट है, वो आपको कुछ अर्न करके नहीं दे रहे। हाँ दादी माँ की ज्वेलरी पड़ी है, कोई पहनने भी नहीं वाला अभी उसको, फालतू में इमोशनल होके भी कुछ मतलब नहीं है। हाँ कल चोरी भी हो जाएगी तो वो भी नहीं रहेगा आपके पास। हाँ तो एक काम कर लो, ये जो आपके पास जो घर में ज्वेलरी पड़ी हुई है जो आप यूज नहीं करते, उसको आप बैंक में लेके जाओ, बैंक क्या करेगा इस ज्वेलरी को, इस ज्वेलरी को मेल्ट करेगा, ठीक है ना, मेल्ट करके क्या करेगा, मेल्ट करके उसमें से जो नॉन गोल्ड मटेरियल है वो निकाल देगा, क्योंकि जब आपको ज्वेलरी रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड जो होता है वो अलग होता है, जब आपको उसका कुछ नेकलेस वगैरह बनाना होता है, कुछ ज्वेलरी बनानी पड़ती है, तो उसमें कुछ और मेटल ऐड किए जाते हैं, तो वो इनप्योर गोल्ड होता है वो, तो पहले गोल्ड को प्योर किया जाएगा, बैंक जब प्योर करेगी तो बैंक उसका वेट करेगी, वेट करके आपको एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है ना, इस सर्टिफिकेट के ऊपर आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलेगा। हेलो, तो आपने एक्चुअली, आपको गोल्ड, आपको नहीं समझ रहा, आपने गोल्ड बेच दिया ना, आपने गोल्ड बेचा बैंक को, हाँ खाली पैसे नहीं मिले आपको, सर्टिफिकेट मिला। पहले तो इस ट्रांसफर को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, बोला कि गोल्ड टू गोल्ड सर्टिफिकेट, ये जो ट्रांसफर है इसको हम टैक्स नहीं करेंगे,
फिर उन्होंने बोला ये जो इंटरेस्ट है, यूजुअली इंटरेस्ट टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है ना हमारे देश में, अगर आप इंटरेस्ट कमाओगे तो टैक्स भरना पड़ता है ना, बैंक में एफडी रखोगे, सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट कमाओगे, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, तो टैक्सेबल होता है। उन्होंने बोला ये स्पेशल बॉन्ड है, इसके ऊपर की इंटरेस्ट को हम टैक्स नहीं करना चाहते, तो इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो गोल्ड सर्टिफिकेट है, अगर आपने इसको ट्रांसफर किया, ये गोल्ड बेचते तो टैक्स लगता, कैपिटल गेन लगता, गोल्ड बेचते तो टैक्स लगता, कैपिटल गेन लगता, लेकिन अगर आपने गोल्ड मोनेटाइजेशन सर्टिफिकेट बेचा तो टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उन्होंने बोला ये कैपिटल असेट ही नहीं है, और जो कैपिटल असेट नहीं है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा ना, जो कैपिटल असेट नहीं है उसके ऊपर टैक्स, एकदम सिंपल है ये, लॉ को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, मैं बता रहा हूं तुमको, जो कॉम्प्लिकेटेड है मैं चिल्ला के बताएगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, जो सिंपल है उसको तो एक्सेप्ट करो। तो मैंने आपको एकदम सिंपल बोला कि अगर आप गोल्ड बेचोगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन गोल्ड को अगर आप सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करोगे और सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग करोगे या सर्टिफिकेट को सेल करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि जो 140 करोड़ लोग हैं उन्होंने घर में जो सोना छुपा के रखा है, आपको पता है ना सोने में ब्लैक मनी पार करने का एक सबसे कॉमन तरीका गोल्ड है, ब्लैक मनी को पार गोल्ड में किया जाता है। तो ऐसे आपके दादा ने, परदादा ने तभी के टाइम पे बहुत सारा ज्वेलरी लेके रखा हुआ है, आपके घर में पड़ा हुआ है, वो यूज भी नहीं करने वाला कोई, तो गवर्नमेंट बोलता है जाने दो अभी वो सब छोड़ो, तुम लेकर आओ, टैक्स वगैरह रहने दो, तुम साला उसको मेल्ट करा लो, कम से कम उसको सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करा लो और उसके ऊपर टैक्स भी मत भरो, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वेलरी मिलने दो, उतना गोल्ड मिलने दो, हमारे देश का गोल्ड रिजर्व अगर बढ़ता है तो हमारी करेंसी हम उतनी ज्यादा प्रिंट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ है, आरबीआई के नॉर्म्स वगैरह है, वो सब में मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो हमें गोल्ड चाहिए, गोल्ड आपके घर में है वो यूजलेस है, गोल्ड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पहुंच जाएगा तो यूजफुल है, ठीक है। तो वो इसलिए वो स्कीम निकाले गए थे। फिर उन्होंने बोला इंटरेस्ट मिलेगा सर्टिफिकेट, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल है ना आईएफएस में? नहीं रे, इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। मेरे जनरल नॉलेज के हिसाब से तो इंटरेस्ट एग्जाम है, इफ यू वांट आई विल जस्ट चेक, जनरल नॉलेज को ज्यादा भी फॉलो नहीं करना चाहिए। ये देखो ना, एन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड मोनेटाइजेशन इज कंप्लीटली टैक्स फ्री, द इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट एज वेल एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गोल्ड विल नॉट अट्रैक्ट एनी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स। हाँ तो अच्छा स्कीम है ना, मैं भी वही बता रहा हूँ, अच्छा स्कीम नहीं होता तो सीए लोग बेचते क्यों इस स्कीम को, हमारा काम है ना इधर बताने का मार्केट में लोगों को, इंटरेस्ट रेट कम है लेकिन अरे कम रहे, अरे अभी तेरे घर में डेढ़, अभी इंटरेस्ट रेट देखना इधर कितना रखा है इन्होंने, 2.5, 2.25, अरे जाने दो ना, घर में जो गोल्ड पड़ा हुआ है, ज्वेलरी जो पड़ा हुआ है उसको वो 1 रुपया भी कमा रहा है क्या अभी आज के तारीख में आपके लिए, 1 रुपए का भी इनकम कमा रहा है क्या? और ये गोल्ड, गोल्ड सर्टिफिकेट इज, आप समझ रहे हो ना, ये सर्टिफिकेट इज ऑलमोस्ट लाइक 24 कैरेट का गोल्ड, मतलब ये सर्टिफिकेट जब भी आप मार्केट में बेचोगे तो जो मार्केट में 24 कैरेट का रेट चालू रहेगा वो रेट पे जाएगा। अरे कितने साल तक इंटरेस्ट मिलेगा क्या? और जितने साल तक आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, ऐसे क्या कुछ भी पूछते हो, जब तक आप डिपॉजिट में इन्वेस्टेड रहोगे, देर इज नो एक्सपायरी टू इट। अगर तूने एफडी रखा तो कितने साल इंटरेस्ट मिलेगा? जितने साल एफडी रहेगा उतने साल मिलता है। कोई फिक्स टर्म नहीं है, ये समझा आपको मैंने क्या बोला? तो बहुत अच्छा स्कीम है वो, जाने दो, स्कीम विम के बारे में बाद में पढ़ना है तुम लोग घर पे आके पढ़ लो, तुम लोग बहुत ही मैच्योर्ड लोग हो, मैं इधर स्कीम नहीं पढ़ाने आया, मैं तुमसे इन्वेस्टमेंट नहीं लेने आया, मैं तुमको लॉ पढ़ाने आया। लास्ट है, मुझे बताओ, लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम बढ़ाने वाला हूं मैं, तुमने गाड़ी ली, गाड़ी, ये गाड़ी
मेरा ना आज मेन वैक्यूम खराब हो गया, मतलब खराब नहीं यार, लाइट यहाँ पे चली गई, तो मेरे पास ना ये डुप्लीकेट वैक्यूम है अभी, मेरे को गाड़ी ड्रॉ करने नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, शेप से ड्रॉ करता हूँ। हाँ ये ठीक है। गाड़ी आ गई अपनी। हाँ ये तुमने गाड़ी जो है, ये कार है, ये ट्रक नहीं है रे साले, ट्रक बोलता है, ऑडी है। हाँ नाला एक लोग। हाँ ठीक है ना, ये गाड़ी है, ये मैंने 40 लाख में ली है, 40 लाख में, पर्सनल है मेरी गाड़ी, 40 लाख में मैंने ली है, और ये मैं 75 लाख में बेच रहा हूं, क्योंकि एक लिमिटेड एडिशन थी। ऐसा होता है पता है ना आपको, एक्सपेंसिव कार का सेकेंड हैंड वैल्यू ज्यादा भी रहता है। जैसे बुलेट, अगर आपके पास अभी पुरानी बुलेट रहेगी, अगर बहुत पुरानी हैंडमेड बुलेट जिसको बोलते हैं, उसकी आज भी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, मैंने 40 लाख की गाड़ी खरीदी और 75 लाख का बेचा, गेन कितना हुआ? टैक्स होगा क्या? ये टैक्स होगा क्या, मैं पूछ रहा है तुमसे, आप अपने फीलिंग बताओ। आपने बुलेट 1 लाख में ली और 4 लाख में बेची, आपने वो RX 100 40 हजार में ली, मॉडिफाई किया और 1.5 लाख में बेची, कोई आंसर नहीं दे रहा है, खाली यश ने आंसर दिया, बाकी लोग नालायक लोग, उनको पता है कि ये जलील होने का टाइम आ चुका है। चलो सचिन तेंदुलकर ने MRF की बैट ली, पहले तो बैट MRF की नहीं होती, क्या पता बैट ड्रॉ कर पाऊंगा मैं। MRF की बैट है, कितने हजार की आती रहेगी ये बैट? क्या रे, बड़ी एक्सपेंसिव बैट कितनी की आती रहेगी? 50 हजार की आती रहेगी। चलो 50 ले रहे, सचिन की है तो 50 हजार की ले ली मैंने बैट, 50 हजार की बैट है, लेकिन अभी इसने सचिन का साइन किया, सचिन सचिन, हाँ अभी साइन कर दिया, अभी कितने में जाएगी? सचिन ने साइन किया, वर्ल्ड कप फाइनल जीता है इसने, ये सब वो मैच बैट है, ये सचिन का लास्ट मैच है, ये ऐसा कुछ भी इमोशन डाल देने का तो फिर प्राइस बढ़ जाता है। 50 लाख में जाएगी, चलो ठीक है, 50 लाख में ले लिया, किसी फैन ने इसको 50 लाख में ले लिया, तो सचिन को गेन कितना हुआ? 49.5 लाख का गेन हुआ। ये टैक्स होगा क्या? ये मेरा मेरा सवाल खाली टैक्स को लेके है साहब, टैक्स होगा क्या? रोनाल्डो है, मेसी है, इंडिया का सुनील छेत्री है, ठीक है ना, फुटबॉल प्लेयर है, या महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, जो भी है, या शाहरुख खान है, सलमान खान है, हाँ दीपिका पादुकोण है, कोई भी, मतलब बड़ा सेलिब्रिटी है, उसने एक टी शर्ट खरीदा 500 रुपए का, उसने भी उसके ऊपर अपनी साइन कर दी, अब बेचेगा वो, और उसके डाई हार्ड फैन रहते मार्केट में, उसने 1 लाख में खरीदा किसी ने ये, ठीक है, 500 रुपए का टी शर्ट 1 लाख में, क्योंकि ओरिजिनल है भाई, उसने पहना हुआ टी शर्ट है, साइन करके दिया है, ये 99,500 टैक्स होगा क्या? सवाल है आपसे खाली, मैं सवाल पूछते जाऊंगा, आप खाली जवाब देते जाओ। आपके घर में फर्नीचर है, दादी माँ ने फर्नीचर बनवाया था, ये सैंडलवुड का फर्नीचर है, दादी माँ के टाइम पे सैंडलवुड वगैरह जो भी रहता है, साग वगैरह बहुत सस्ता मिलता था, दादी माँ ने इसको बनवाया था 10 हजार में, बहुत पुराने, तभी 10 हजार भी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन दादी माँ ने 10 हजार में बनवाया था, ठीक है ना, अब आपको वो पुराने स्टाइल का फर्नीचर नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही एंटिक टाइप का दिख रहा है वो टाइप का अभी आप बनवा के लोगे तो बनेगा भी नहीं, ठीक है ना, कोई फाइल आपने डाल दिया उसको OLX पे कि ये फर्नीचर बेचने का है, OLX पे डाल दिया आपने, OLX, ये फर्नीचर मुझको सेल करने का, और आपने लिखा भी बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल
40-50 साल पुराना फर्नीचर है, ठीक है ना, दादी माँ ने खरीदा था, दे आर वेरी इमोशनल, बट वी वॉन्टेड टू रेनोवेट द प्रॉपर्टी, सो वी वॉन्टेड टू सेल दिस पर्टिकुलर, नहीं तो बड़ा आपने मैसेज लिखा हुआ है, एंड जेन्युइनली फर्नीचर बहुत अच्छा है वो। तो टाटा वगैरह जैसा कोई फाइव स्टार होटल आपके पास आया, फाइव स्टार होटल में आपको पता है ना एंटिक फर्नीचर रखते हैं रिसेप्शन एरिया में, कोई फाइव स्टार होटल आपके पास आया क्या 2,000 में खरीदेगा ये फाइव स्टार होटल? बोलेगा 10,000 का है जी, 40 साल पुराना है, 2,000 ले लो ना, बोलेगा सर ठीक है हम लोग आपके उसके 10 लाख देंगे, आपका सारा एंटिक फर्नीचर हम लेके देंगे 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख पे आपने बेच दिया, तो ये जो 9,90,000 का गेन हुआ ये टैक्सेबल होगा क्या? ये टैक्सेबल होगा क्या? मैंने आपको सवाल पूछे, जितने भी आपको मैंने सवाल पूछे ये सारे के सारे असेट पर्सनल असेट थे, इसमें का कोई भी असेट बिजनेस असेट नहीं था, मतलब इसके ऊपर आपने कभी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, ये सारे पर्सनल असेट थे, ये सारे के सारे मूवेबल असेट थे, यस और नो? कार, कपड़े, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आप एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये जितने भी मैंने गेन यहाँ पे बताया इसमें का एक गेन भी टैक्सेबल नहीं है, इसमें का एक रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा, एक रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा इसमें का, ये सारा एग्जम्प्ट है, मैंने आपको आज टैक्स प्लानिंग पढ़ा दी, जाओ कर लो ब्लैक टू व्हाइट, मैंने आपको टैक्स का जादू बता दिया साहब, आपके घर में ब्लैक पड़ा हुआ है, आप बोल दो आपने फर्नीचर बेचा करके और इतने में बेचा आपको इतना प्रॉफिट हुआ, डिक्लेयर कर दो आपको टैक्स नहीं लगेगा, मैंने आपको ब्लैक टू व्हाइट करने का एकदम बहुत बड़ा रास्ता ही बता दिया, थोड़ा संभाल के करना, पेपर वगैरह बनाने पड़ेंगे, मैंने बोल दिया मतलब करने मत चालू करो, और पहले तो ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करने के लिए सालों तुम्हारे पास ब्लैक होना भी तो चाहिए, तुम्हारे पास तो व्हाइट के वांदे पड़े हैं, एक आर्टिकल के जिंदगी में व्हाइट होता ही कितना है, 3,000-4,000, अकाउंट का बैलेंस ही कितना होता है, 300-400, क्या ही कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है बताओ मुझे, सचिन की कार बैलेंस शीट में देखेगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लिया होगा, सेल किया तो भी नहीं, सचिन का भाई, ये सचिन का क्या, ये क्या सचिन का बैट का डिप्रिसिएशन लेगा क्या रे नालायक, और मैंने कार तो सचिन की बोली नहीं थी, कार तो मेरी थी, और सचिन की पर्सनल कार नहीं हो सकती क्या, वो क्या गाड़ी में बैठ के क्रिकेट खेलता है क्या? पर्सनल कार है बोला ना मैंने, ये प्रॉपर्टी तो है, यस अवधूत लीगली आपने सही पकड़ा है, आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ये प्रॉपर्टी तो है, ये सारी प्रॉपर्टी तो है, लेकिन हम इसको टैक्स नहीं करना चाहते इसलिए हमने उसको एक्सक्लूजन में डाला है, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट जिसमें भी होते हैं, जिस भी प्रॉपर्टी में पर्सनल मूवेबल इफेक्ट होते हैं, ठीक है ना, तो जब भी आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में पर्सनल मूवेबल इफेक्ट जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं करना है गवर्नमेंट को। अब आपको मुझे पूछना पड़ेगा इसका लॉजिक बताओ, ऐसे हमारा टाइम हो चुका है लेकिन मुझे 5 मिनटों में कंक्लूड करता हूं, कंक्लूड करूंगा तो ये समझ में आएगा, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट जल्दी बताओ, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट गवर्नमेंट ने क्यों टैक्स नहीं किया? आपको नहीं लग रहा ये जितने भी मैंने सुनो तो, बट ये ट्रांजेक्शन किधर तो टैक्स, किधर भी टैक्स नहीं होता दोस्त, इधर भी नहीं होता किधर भी, ये नॉर्मल है क्या, ऐसा कभी होता है क्या 40 लाख का गाड़ी 75 लाख में जाता है नॉर्मली, नॉर्मली 50,000 का बैट 50 लाख में जाता है नॉर्मली पूछ रहा हूं मैं, नॉर्मली तुमने टी शर्ट 500 रुपए में लिया, 1 लाख रुपए में बेच, नॉर्मली ऐसा होता है क्या? नॉर्मली तुमने फर्नीचर 10,000 में लिया, 10 लाख में, नॉर्मली क्या होता है 99%, 99.99% केसेस में क्या होता है, आप कोई भी चीज पर्सनल चीज, मेरा शर्ट अभी मैं बेच रहा है लेना खरीदना, हाँ ये शर्ट खरीदना मेरा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैम्प मार के देता है मैं, ठीक है ना, मैंने 1.5 हज़ार क्या पता ये इस लड़की ने लाया था, ठीक है ना, मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया है, बताओ उसमें लव एंड इमोशन भी है मेरा अभी, ले लो ठीक है ना, 1,000 रुपए का 2 लाख में बेच रहा है, कोई तो ट्रांसफर करो फटाक से कुरियर करता हूं मैं आपको, कोई नहीं लेने वाला, तुम्हारा क्या काम, यस तुमको अक्कल है, यस तुम लोग रैशनल लोग हो, अब मुझे बता सलमान खान के टी शर्ट में तेरा क्या काम, तेरे को तो आएगा भी नहीं मोटे हाँ सलमान खान के टी शर्ट में तेरा, लेकिन तू डाई हार्ट फैन है उसका, फ्रेम बना के घर में लगाएगा तू, टी शर्ट पहनने के लिए नहीं लेते लोग,
इमोशन है उनके लिए। हाँ तो लेने नहीं गया ना तू, अरे तू नहीं जाएगा रे, जो जा लेते ही कि नहीं लोग, सुना है कि नहीं तूने? हाँ अरे देख, जो भक्त लोग होते हैं ये अभी वैष्णो देवी वगैरह में जो साड़ी चढ़ती है वो साड़ी का भी ऑक्शन लगाते हैं मंदिर वाले, मोदी का जैकेट का भी। हाँ मोदी के जैकेट का भी, अब मोदी का जैकेट तो दुकान में भी मिलता है ना रे 2000 में, उधर से लेना चाहिए ना। नहीं मोदी ने जो पहना है वही चाहिए हमको। ये नॉर्मली नहीं, नॉर्मल लोगों 99%, 99.99% केसेस में सुनो मेरी बात, लॉस ही होता है ना रे। गवर्नमेंट कितना शाना है सोचो ना, गवर्नमेंट ने बोला जाने दो ना 0.1% ट्रांजैक्शन जाने दो जिसमें लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तुमने अगर गलती से उसको टैक्स करने के लिए प्रोविजन बना दिया तो 99.99% लोग लॉस क्लेम करेंगे, और लॉस करके क्या ले लेंगे रे, सेट ऑफ ले लेंगे ना। तो पकड़ लो मैंने इस साल एक जमीन बेची, मुझको 40 लाख का गेन हुआ है, फटाफट मैं अपना फर्नीचर वगैरह बेच दूंगा और फर्नीचर लॉस में बेचूंगा, गाड़ी बेच दूंगा लॉस में बेचूंगा, कपड़े बेच दूंगा लॉस में बेचूंगा, और वो लॉस यहाँ पे सेट ऑफ ले लेता, क्योंकि राम पाटिल का तो शर्ट कोई नहीं खरीदने वाला रे। हाँ तुम क्या ही मुझसे प्यार करते हो, तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? अगर गवर्नमेंट ने पर्सनल मोबल असेट को टैक्स किया होता तो 99.99% केसेस में लॉस आता, और उस लॉस का इनकम टैक्स में बहुत बड़ा प्लानिंग क्रिएट होता। वो प्लानिंग को उन्होंने खारिज करने के लिए, प्लानिंग को उन्होंने कट करने के लिए बोला हमको ना जीरो, हमको ये एक्सेप्शनल जो केसेस है ना, ये एक्सपेंसिव कार बेचना, ये रोनाल्डो की टी शर्ट बेचना, हमको इसके ऊपर टैक्स ही नहीं चाहिए, जाने दो एंजॉय करने दो इन लोगों को, लेट देम एंजॉय, हमको इसके ऊपर 1 रुपया टैक्स नहीं चाहिए, इट्स नॉट टैक्सेबल, क्योंकि उनको लॉसेस का बेनिफिट नहीं देना था। लेकिन कुछ ऐसे असेट थे जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, बताओ लैंड एंड बिल्डिंग पर्सनल होती है कि नहीं? जिस घर में आप बैठे हो पर्सनल है कि नहीं है? अरे पर्सनल है कि नहीं आपकी? पर्सनल है, लेकिन क्या वो मूवेबल है? क्या मूवेबल है? खाली पर्सनल मूवेबल बोला ना, वो तो इमूवेबल है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको टैक्स करना है, इसको क्यों टैक्स करना है बताओ मुझे? लीगली तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, आप तो बिल्डिंग की वैल्यू कम करते हो ना, वैसे तो ये बिजनेस की बिल्डिंग नहीं है, पर्सनल बिल्डिंग है, बिजनेस बिल्डिंग होगी तो वो डेप्रिशिएबल असेट हो गया, उसकी बात बाद में करेंगे। पर्सनल बिल्डिंग का तो डेप्रिसिएशन मतलब लीगली तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लेकिन वैल्यू मार्केट में बढ़ जाता है, तो 99% केसेस में क्या होने वाला है, यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए उन्होंने बोला इमोबल प्रॉपर्टी को हम टैक्स रखेंगे। ज्वेलरी बताओ, ज्वेलरी डेप्रिशिएट हो रही है क्या? 10 साल पहले आपने जिस रेट पे ज्वेलरी लिया था, अगर अभी आप बेचने जाओगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? चांसेस क्या है प्रॉफिट होने के? चांसेस है। तो उन्होंने बोला सारे पर्सनल मूवेबल असेट को बाहर नहीं निकालेंगे, ना 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 ना, सारे पर्सनल मूवेबल असेट को बाहर नहीं निकालेंगे, हम कुछ सिलेक्टेड असेट को अंदर ही रखेंगे, ठीक है ना? तो एक्सक्लूजन टू एक्सक्लूजन, माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, इतना तो समझता है कि आपको पर्सनल मूवेबल अफेक्ट में से अदर देन में लिख रहा हूं यहां पे, अदर देन मतलब और एक माइनस लग गया। उन्होंने बोला ड्राइंग, उन्होंने बोला ज्वेलरी, उन्होंने बोला स्कल्पचर्स, इन्होंने बोला आर्टवर्क, इन्होंने बोला आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, और इन्होंने बोला आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, इन्होंने बोला पेंटिंग। अब मुझे बताओ एक पेंटिंग बनाने के लिए कितना ही खर्चा आता है? मैंने भी आपके लिए एक पेंटिंग बना ली, लो एक पेंटिंग बना ली आपके लिए मैंने यहाँ पे, टड़ा 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 टिड़ी, टड़ा 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 टिड़ी, मैंने आपके लिए एक पेंटिंग बना ली, लो ये पेंटिंग 20,000 में बेचने वाला हूँ मैं। ए सिंचन नहीं, मैं बता तो सही, ये पेंटिंग बनाए 20,000 में बेचने वाली, बनाने के लिए कितना खर्चा लगा मुझको? ये बनाने के लिए मुझको 5 रुपया लगा। अब ये गेन टैक्स होगा क्या? ये मैंने तो 20,000 बहुत ही रैशनल नंबर लिया, आपको तो पता ना पेंटिंग बहुत एक्सपेंसिव जाती है मार्केट में, पीपल आर बाइंग पेंटिंग इन फॉर 10 लाख 20 लाख, पता नहीं पागल लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। हाँ आपके घर पे शिवाजी महाराज की तलवार पड़ी है, हाँ उसका वो किलो पे जाएगी क्या? किलो से उसका वेट होगा क्या? अभी बोलो ना, अगर वो लोखंड की होगी तो लोखंड के भाव में बेचोगे क्या? नहीं, उसका ऑक्शन होगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, आर्ट वर्क है, तो ये भी तो सब पर्सनल ही है ना भैया, ये भी तो सब पर्सनल ही है, ड्राइंग ज्वेलरी स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आर्ट वर्क पेंटिंग, लेकिन ये सब ना हायर प्राइस पे बिकता है,
ये सब कुछ कैसे बिकता है? हायर प्राइस पे, कॉस्ट से ज्यादा पे बिकता है। इसका इसका जो सेलिंग प्राइस होता है ना, इट इज ऑलवेज हायर देन द कॉस्ट प्राइस, एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट आइटम इज प्रॉफिट 99% केसेस में। तो गवर्नमेंट ने बोला इसके ऊपर हमको टैक्स चाहिए, और इमोबल प्रॉपर्टी के ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए सिलेक्टेड आइटम को ही उन्होंने टैक्स किया हुआ है। ये आपको, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कुछ नई बात नहीं बता रहा, मुझे खाली कंक्लूड करना था। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट आप फटाफट देख लो, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 14 में है, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, मतलब बिजनेस की भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है। इट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्यों इसका लॉजिक है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। और हम टैक्सेशन ऑफ यूलिप करके अलग से ही छोटा सा टॉपिक बना के पढ़ेंगे, अभी इसको इसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना? फॉर द टाइमिंग इसको इग्नोर कर दो, यूलिप करके कुछ होता है बाद में बात करेंगे। बट इट एक्सक्लूड्स क्या? इट एक्सक्लूड्स क्या, जल्दी बोलो। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स। क्यों? क्योंकि पीजीबीपी में टैक्स होने वाला है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बाहर निकाल दिया। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बेरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 जो अरुण जेटली सर सर ने लाई। मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टीज को एक किया है, बाहर निकाला हुआ है। एक्सक्लूजन में से एक्सक्लूजन, माइनस को माइनस मारा उन्होंने। माइनस को अगर माइनस मारते हो, ऑलरेडी एक्सक्लूजन चालू था। एक्सक्लूजन टू एक्सक्लूजन इज इंक्लूजन, माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। तो भैया ये जो ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्चर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्ट वर्क, ये कैपिटल असेट है, और इसका अगर ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन लगेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर बाकी कोई पर्सनल मूवेबल असेट है, जैसे कार, फर्नीचर, क्लोथ, शूज, लैपटॉप, मोबाइल, इन सबके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना होता, ये मुझे आपको बताना था। क्या यहां तक क्लियर है? पहला पेज क्लियर है? आज मैंने आपको खाली पहला पेज पढ़ाया, ओनली फर्स्ट पेज, ठीक है? ऑल राइट, चलो देन, थैंक यू फॉर द डे। बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। बाय बाय। नोट शेयर करता हूं आपके साथ, व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं।